Good evening. Good evening. चलो आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ गाइज। 4:35 पे बोला था। गुड इवनिंग इश्ता। एक ग्रुप पे मैसेज डाल दो, क्लास स्टार्ट हो गई नहीं। कई लोग सोच रहे होंगे अभी भी टाइम वेट करना है। डाल लिया डाल लिया। चलो चलो गुड इवनिंग सुरभि। चलिए हेडिंग डालिए लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। देखिए हमें दो एप्लीकेशन करने हैं, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस एज वेल एज मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हेडिंग डालिए लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, ब्रैकेट में एलसीएस, ब्रैकेट में एलसीएस। नाउ फिर सब हेडिंग डालिए सबसीक्वेंस, हेडिंग डालिए सबसीक्वेंस, डाली। हेलो हेलो। यस सर। अरे आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। अब हेडिंग डालिए सबसीक्वेंस। अब ध्यान से सुनिए जरा, पहले मैं लिखवा देता हूँ सबसीक्वेंस फिर समझाता हूँ। सबसे पहले सुनिए ध्यान से, सबसीक्वेंस और सबस्ट्रिंग दोनों अलग अलग टर्म है, उसे टीओसी वाले सबस्ट्रिंग के साथ लेके कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना? यस सर। लिखिए सबसीक्वेंस, लिखिए सबसीक्वेंस ऑफ ए गिवन सीक्वेंस, सबसीक्वेंस ऑफ ए गिवन सीक्वेंस is just the given sequence only, is just the given sequence only, subsequence of a given sequence, subsequence of a given sequence is just the given sequence only in which zero or more symbols left out, in which zero or more symbols left out, in which zero or more symbols left out. Likha? Yes. For example, देखिए देखिए। एक सेकंड। मैंने आपको क्या बताया कि सबसीक्वेंस क्या होता है? सेम वही सीक्वेंस होता है, बस उसमें जीरो या मोर सिंबल को आप छोड़ दो, लेफ्ट आउट कर दो। इसका मतलब क्या है कि सपोज एक सीक्वेंस मैंने आपको दे दिया ए बी बी ए बी बी, ठीक है। तो इसके अगर मैं सबसीक्वेंस की बात करूं तो देखो से सबसीक्वेंस ऑफ जीरो लेंथ क्या होगा, दिस subsequence of one length a b, ठीक है। नाउ अगर मैं बोलूं subsequence of two length, अब हमें ये नहीं निकालने कितने subsequence होंगे a b, subsequence of three length देखो ध्यान से a b a होगा, देखो ध्यान से कैसे a लिया, देखो इधर पे a लिया b को छोड़ दिया, b को ले लिया a ले लिया, आ गया a b a कि नहीं आ गया? यस सर। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला a b a b, a b a b होगा कि नहीं होगा? Yes, देखो ए लिया बी लिया बी छोड़ा ए लिया बी लिया, क्लियर है? Yes, sir. सिमिलरली अगर मैंने आपसे पूछा कोई भी नाम दे दो, ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा बी ए बी ए, बी ए बी ए होगा क्या? नहीं होगा। देखो बी लिया बी लिया कोई इशू नहीं, फिर बी लिया कोई इशू नहीं, लेकिन अब इसके बाद ए है क्या? क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहा है ना सबसीक्वेंस क्या होगा, इन विच जीरो और मोर सिंबल्स लेफ्ट आउट। ये सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर। अगर मैं एस सिक्स बोलूं ये भी होगा कि नहीं होगा? ए बी बी ए बी बी पूरा का पूरा एज इट इज। यस सर। यस, एक भी सिंबल नहीं छोड़ा, क्लियर? यस सर। तो ये तो होता है हमारा क्या सबसीक्वेंस। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए कॉमन कॉमन सबसीक्वेंस। लिखी है ना, रब कर दूं? वो नोट क्या लिखवाया था पहले शुरू में?
अरे नोट नहीं लिखवाया था, सबसीक्वेंस लिखवाया था, सबसीक्वेंस ऑफ ए गिवन सीक्वेंस जस्ट द गिवन सीक्वेंस ओनली इन विच जीरो और मोर सिंबल्स लेफ्ट आउट। ओके सर, समझ में आ रहा है ना? तो ये सब स्ट्रिंग नहीं है, सब स्ट्रिंग क्या होती है, सब पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग, उधर पे कंसेक्यूटिव सिंबल होने चाहिए। यस, चलो देखो ध्यान से। नाउ हेडिंग डालिए कॉमन सबसीक्वेंस, कॉमन सबसीक्वेंस। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कॉमन सबसीक्वेंस का मतलब क्या है, दो सीक्वेंस का एक ऐसा सबसीक्वेंस जो दोनों का कॉमन है। यस सर, देखिए जेड इज ए, जेड इज ए कॉमन सबसीक्वेंस ऑफ टू सीक्वेंसेस, जेड इज ए कॉमन सबसीक्वेंस ऑफ टू सीक्वेंसेस एक्स एंड वाई, ऑफ टू सीक्वेंसेस एक्स एंड वाई इफ 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 जेड इज, if z is subsequence to both, if z is subsequence to both, if z is subsequence to both x and y, if z is subsequence to both x and y, chalo dekho re dance yahan pe aapko do sequences maine de diye। तो अब मैंने पूछा आपसे कॉमन सबसीक्वेंस, देखो ध्यान से कॉमन सबसीक्वेंस लेंथ जीरो की अगर मैं बात करूं, अब मैं इधर पे लेंथ जीरो की बात करता हूं तो ये होगा, ये दोनों का सबसीक्वेंस है कि नहीं। यस, लेंथ वन की बात करूं ए बी होगा, बी बी होगा। यस, लेंथ अगर टू की बात करूं तो देखो ए बी है कि नहीं, हाँ है दोनों में है, बी ए है कि नहीं, हाँ है दोनों में है, ए ए है कि नहीं, हाँ है दोनों में है, बी बी है कि नहीं, ये भी है। नो सर, बीबी क्या नो कहाँ है, तो दोनों में बीबी, देखो बीबी इधर पे बी लिया, ए छोड़ा बी, क्लियर है ना? यस। अगर मैं आपको थ्री लेंथ की बात करूं, देखो ध्यान से ए बी ए है कि नहीं, देखो ए भी छोड़ सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ अभी तो बोला कि जीरो और मोर सिंबल्स लेफ्ट आउट, बस आप सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, आगे का पीछे पीछे का आगे नहीं कर सकते, आप लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स कर रहे हो, देखो ध्यान से आप लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स कर रहे हो, आपको जो मर्जी उसको छोड़ दो। तो देखो ए बी ए, ए बी इस बी को छोड़ा, ए है कि नहीं? यस सर। इधर पे देखो ए बी को छोड़ा, ए फिर ए को छोड़ा, बी ए है कि नहीं? यस सर। अगर मैं देखो बी ए बी की बात करूं, सर आ गया सर, बी ए को छोड़ा, बी बी को छोड़ा, ए बी, बी ए बी आ गया, बी ए को लिया, ए को छोड़ा, बी आ गया कि नहीं? आ गया। यस, क्लियर है? अब ध्यान से देखो इधर पे कोई भी फोर लेंथ का बन रहा है क्या? देखो ध्यान से, कोई भी फोर लेंथ का बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो कह सकता हूं हमारे जितने भी सबसीक्वेंसेस हैं, ये दोनों हमारे क्या है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। क्या है? लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। बना लो जल्दी से। गया? Yes, sir. Done? Yes. लिखिए नोट। In all the common subsequences, in all the common subsequences, in all the common subsequences, which one is largest, in all the common subsequences, which one is largest, is called longest common subsequence, is called longest common subsequence, is called longest common subsequence. Likha? Yes, sir. नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलो देखो ध्यान से, अगर मैं कॉमन सबसीक्वेंस की बात करूं लेंथ जीरो की, ये है कि नहीं? yes.
अगर कॉमन सबसीक्वेंस लेंथ वन की बात करूं तो देखो सिंगल ए बी है, सिंगल बी भी है। अगर मैं कॉमन सबसीक्वेंस लेंथ टू की बात करूं तो देखो ध्यान से ए बी है कि नहीं, एंड सो ऑन, कई सारे हैं, हमें इससे लेना ही देना नहीं है, हमें तो मतलब किससे है, केवल लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस से। फॉर एग्जांपल अगर मैं थ्री की बात करूं तो देखो थ्री का है कि नहीं, ए बी है, देखो ए बी ए। अगर मैं कॉमन सबसीक्वेंस लेंथ फोर की बात करूं तो देखो ध्यान से ए बी ए बी, ए बी ए बी है कि नहीं, अगर मैं कॉमन सबसीक्वेंस लेंथ फाइव की बात करूं तो देखो ध्यान से ए बी ए बी ए है कि नहीं, यस सर, देखो ध्यान से ए बी ए बी ए, ए बी ए बी ए, क्लियर है। अब देखो ध्यान से लेंथ सिक्स का है क्या कोई, नहीं, क्लियर है, यस। यानी कि ये हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। देखो हमारा गोल इससे नहीं है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या है, हमारा गोल ये है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ क्या है, क्लियर है, यस सर। जल्दी से पहले ये पूरा बना लीजिए सर, दोनों में एक्स और वाई में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं? नहीं, कुछ भी हो सकते हैं। ओके सर, अब मैं चेंज कर देता हूं, लिखा, यस सर, लिखिए क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड आउट एलसीएस ऑफ गिवन टू सीक्वेंसेस, हाउ टू फाइंड आउट एलसीएस ऑफ गिवन टू सीक्वेंसेस, हाउ टू फाइंड आउट एलसीएस ऑफ गिवन टू सीक्वेंसेस, हो गया है ना, यस। एग्जांपल नंबर वन, LCS कैसे निकालेंगे हम दो सीक्वेंसेस का, नाउ सपोज दो सीक्वेंसेस गिवन है x एंड y, x है हमारा AB, AB अलग अलग ले लेता हूं, x सीक्वेंस में हमारे कितने सिंबल हैं, 6, जबकि y सीक्वेंस में हमने कितने सिंबल लिए हैं, 5, क्लियर, यस। तो देखिए रिजल्ट से ये आगे आपको लिखवा भी दूंगा, अभी ध्यान से समझ लीजिएगा, ये प्रॉब्लम क्या है, LCS 6.5, LCS 6.5 का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, आगे आपको लिखवा भी दूंगा, इसका मतलब क्या है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस पॉसिबल विद टू सीक्वेंसेस x एंड y वेयर सीक्वेंस x कंटेन्स 6 सिंबल्स एंड सीक्वेंस y कंटेन 5 सिंबल्स, क्लियर, यस सर। तो देखिए ध्यान से, मुझे निकालनी है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ, तो अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, कह सकता हूं मैंने इनको देखा मैचिंग हो गई कि नहीं हो गई, यस सर, मैचिंग हो गई, यानी कि लेंथ वन हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, यस सर। तो मैंने बोला ये क्या होगा हमारा, 1 प्लस एलसीएस ऑफ 5.4, बोलो क्लियर और नॉट, यस सर, यस। देखिए ध्यान से, फिर से मैंने लास्ट वन को देखा मैचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, एक सेकंड, हाँ चलिए देखिए रतन से, तो अब मैंने बोला देखिए इनकी भी मैचिंग हो गई, तो ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, 1 प्लस एलसीएस ऑफ 4.3, बोलो क्लियर और नॉट, यस सर। देखो ध्यान से, ये भी मैचिंग हो गई, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 1 प्लस एलसीएस ऑफ 2.2, ध्यान से देखो फिर से मैचिंग हो गई, कह सकते हो ये हमारा बेस्ट केस है कि नहीं, यस सर, नेन मैचिंग हो रही है, 1 प्लस एलसीएस ऑफ 2.1, फिर से देखो फिर से मैचिंग हो गई, तो क्या 1 प्लस एलसीएस ऑफ 1.0, और 1.0 की लेंथ क्या होगी, 0, क्लियर है, 0, देखो ध्यान से ये क्या हो गया हमारा, 0, 0 प्लस 1, 1, 1 प्लस 1, 2, 2 प्लस 1, 3, 3 प्लस 1, 4, 4 प्लस 1, 5, तो आंसर क्या होगा हमारा, 5, क्लियर है, यस सर। लेकिन ध्यान से सुनना, ये कौन सा केस था हमारा, हमने लास्ट से मैच करने की कोशिश की, देखो ध्यान से पहले अब लॉजिकली समझना, लास्ट से मैच करने की कोशिश की, अगर मैच कर गए तो लेंथ वन तो हो ही गई, फिर हम दोनों को डिक्रीमेंट करेंगे, yes, yes, yes. अब मुझे ये बताओ जरा, अगर मैच नहीं किए, ये होगा हमारा वर्स्ट केस,
मैच नहीं किए तो हम क्या करेंगे? एक सेकंड, चल रहा है ना आंखें कान सब कुछ? यूज कर सकते हो। देखो ध्यान से, अगर दोनों मैच कर गए तो मैंने क्या बोला, लेंथ वन हो गई, हम दोनों को डिक्रीमेंट करेंगे। अब अगर मैच नहीं किए तो क्या करेंगे? जो मैच नहीं, एक को फिक्स करके सर एक को बढ़ाएं, एक में कम करेंगे, एक को फिक्स करेंगे, एक को कम करेंगे। यस सर। किसको फिक्स करेंगे, किसको कम करेंगे? सर जिसमें ज्यादा उसको कम करेंगे। क्लियर है? यस सर। पाप, शर्म नहीं आ रही? डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है? कवरिंग ऑल दी पॉसिबिलिटी। एक को कम करेंगे, किसको कम करेंगे? दोनों ही को एक एक करके कम करेंगे। जहां से भी मैक्सिमम आएगा वो आंसर आएगा। आई नहीं रहा है समझ में, क्या करेंगे? देखो ध्यान से क्या, अरे बताने तो दो पहले, सुनिए ध्यान से। अगर लास्ट वन मैच नहीं किए, सपोज मैंने बोला कि एक में थे हमारे एम सिंबल, एक में थे हमारे एन सिंबल, ठीक है, हमने लास्ट वन दोनों के मैच किए, अगर मैच कर गए तो बेस्ट केस था। देखिए ध्यान से, हमने क्या बोला, अभी आपको दिखा दूंगा, LCS M कॉमा N निकालना था। अगर मैच कर गए, अगर मैच कर गए तो मैंने क्या बोला कि LCS, अगर कह सकता हूं X of M equals Y of N हो गया, मतलब लास्ट सिंबल दोनों की मैच कर गए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 plus LCS M minus 1 N। क्लियर? लेकिन yes. अगर लास्ट वन हमारे मैच नहीं किए, लास्ट वन हमारे मैच नहीं करे, तो हम क्या करेंगे? LCS M कॉमा N minus 1, एक बार ऊपर इस वाले को डिक्रीमेंट करेंगे, Y वाले को एक बार इसको डिक्रीमेंट करेंगे, और दोनों से ही जो भी मैक्सिमम दे रहा होगा वो हमारा आंसर होगा। yes. अरे समझ में आ रहा है? कवरिंग ऑल द पॉसिबिलिटी। यस सर, आया आया सर। चलो पहले तो ये बताओ, ये लिख लिया ये एग्जांपल? यस yes, नहीं सर। लिख लो लिख लिया? एग्जाम्पल नंबर टू। क्या निकालना था? LCS of 6.7, ठीक है। चलो देखो, हमने देखा लास्ट वन को मैच करके देखा, मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? 1 plus LCS, कोई डाउट? फिर हमने लास्ट वन को देखा, देखो मैच हो रहे हैं कि नहीं? यस हो रहे हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? 1 plus LCS of, फिर हमने लास्ट वन को देखा, मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, अब हमने दोनों की लास्ट को मैच किया, क्या मैच हुए? नहीं हुए, तो हम किसको डिक्रीमेंट करेंगे? नहीं पता, हम एक एक करके दोनों को करेंगे, जहां से भी मैक्सिमम आएगा वो आंसर। मतलब इसका मतलब क्या है? LCS एक बार इसको डिक्रीमेंट किया 3.3, एक बार इसको डिक्रीमेंट किया 2.4, और जो भी मैक्सिमम आता है, जो भी मैक्सिमम आता है वो हमारा आंसर आएगा। यस सर। और ये काम क्या एक बार होगा? नहीं, रिकर्सिवली बार बार होगा। तो कहने का मतलब, अगर मैं आंसर की बात करूं तो ध्यान से देखो, जब आप डिक्रीमेंट करोगे इस नीचे वाले को तो दोनों में मैचिंग आ जाएगी, ट्रिपल बी, यानी इसकी लेंथ कितनी हमारी 3 आएगी कि नहीं आएगी? ये करके दिखाओ। यस सर। करके दिखाओ। यस सर। देखो ध्यान से, LCS 3.4, अब ये लिखना नहीं, LCS 3.4 ये किसमें कन्वर्ट हुआ? LCS इतना लिख रहा हूँ, समझ जाना, 3.3 और 2.4, समझ में आ रहा है? Yes. अब देखो ध्यान से, LCS 3.3, देखो ध्यान से, दोनों मैच कर गए, यानी कन्वर्ट हो गया 1 plus LCS 2.2। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? 1 plus LCS 1.1, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? 1 plus LCS 0.0। Yes. तो 0.0 के लिए 0.0 plus 1 1 1 plus 1 2 2 plus 1 3, यानी कि इसकी लेंथ 3 आ गई कि नहीं आ गई? Yes sir। अब देखो, LCS 2.4, 2.4 मतलब ये और ये, देखो फिर से लास्ट वन मैच नहीं किए,
बोलो यस सर। हां अगर फिर से लास्ट वन मैच नहीं किया तो क्या करेंगे, एक एक करके दोनों को डिक्रीमेंट करके देखेंगे। यस सर समझ में आ रहा है ना। यस सर टाइम हमने किया दूसरे को डिक्रीमेंट, मतलब ये क्या आ गया हमारा 2.3 फिर से मैच कर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एलसीएस ऑफ 0.1 तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 प्लस 1 प्लस 1 2 तो इधर से 2 आएगा कि नहीं आएगा। यस सर देखो ध्यान से एलसीएस 1.4 एलसीएस 1.4 हम क्या करेंगे 1.4 देखो मैच नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे एलसीएस 1.4 में फिर से दो केस देखेंगे हम दो केस देखेंगे तो एक एक करके दोनों को एक बार डिक्रीमेंट करेंगे तो अगर इसमें हमने किया ये हो जाएगा 1.3 और ये क्या हो जाएगा 0.4 और 0.4 तो सीधे क्या हो गया हमारा 0 हो गया। अब देखो जैसे 1.3 मैचिंग हो गई तो ये क्या आ गया 1 प्लस एलसीएस ऑफ 0.2 और 0.2 का क्या हो गया 0 हो गया तो 0 प्लस 1 1 आ गया। देखो जैसे इधर से 0 इधर से 1 इधर से 2 इधर से 3 मैक्सिमम क्या है सबका 3 इसलिए हमने डायरेक्ट किया। यस सर यस सर जल्दी से पहले ये लिखो ये सब मत बना रहा हूं तो कर लोगे ना। यस सर हां हां कर लोगे। ये समझ में आ गया हम दोनों पॉसिबिलिटी क्यों देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम बड़े वाले को डिक्रीमेंट करें वो कहीं से भी आ सकता है। यस कहने का मतलब है सपोज मैंने आपसे बोला सपोज ये केस होता ए ए ए बी ठीक है और मैंने बोल दिया कि बी 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 ए ए ए अब देखो जैसे ये हमारा बड़ा है कि नहीं। Yes. अरे वो काउंटर बता रहा हूँ कि कोई कह रहा है कि सर बड़े को देखेंगे तो देखो अगर हमने लास्ट वन मैचिंग नहीं किया इसको डिक्रीमेंट किया डिक्रीमेंट किया डिक्रीमेंट किया डिक्रीमेंट देखो डिक्रीमेंट किया अब ये देखो ये मिल गए दोनों मिल गई। yes, लेंथ 1 हो गई अभी। yes, दोनों डिक्रीमेंट हुए अब ध्यान से देखो कुछ भी मैचिंग होगी क्या। yes, तो अगर आप बड़े वाले को डिक्रीमेंट करते हो तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस की लेंथ 1 आएगी जबकि रियलिटी में देखो 3 आ रही है कि नहीं। यस क्लियर है। यस सर लिख लो जल्दी से। हो गया। यस सर हेडिंग डालिए रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन लिखिए पहले तो मीनिंग लिखिए लेट एलसीएस एम कॉमा एन इक्वल्स लिखिए जो अभी बोला था अब लिख लीजिए डिटेल में इसको द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस पॉसिबल द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस पॉसिबल विद टू सीक्वेंसेस द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस पॉसिबल विद टू सीक्वेंसेस एक्स एंड वाई विद टू सीक्वेंसेस एक्स एंड वाई where sequence x contains where sequence x contains m symbols where sequence x contains m symbols and sequence y contains n symbols and sequence y contains n symbols then recurrence relation then recurrence relation then recurrence relation मैं लिखूंगी आप लोग ट्राई करोगे करिए जल्दी से ट्राई करिए। मीनिंग समझ में आ गई ना एलसीएस एम कॉमा एन की। यस सर करिए ट्राई करिए।
हो गया। बोलो अरे कर रहे हो ना। यस सर करो करो करो। ये क्या रितिका आप तो बोल रहे थे आज आप क्लास नहीं लगा पाओगी। रितिका हेलो रितिका आपको आवाज आ रही है तो क्लास उसने 2 बजे की बोली होगी। ओके 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 चलो वेरी नाइस। तो आपके लिए तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज होगी रितिका। रिश्ता कल की क्लास आपकी स्किप हुई थी। यस सर। किसी से समझा? यस सर मिल गया था सर। कोई डाउट? नहीं सर अभी। यस सर बेलमैन फोर्ट तक किया है तो सर अभी तो नहीं आया। तो फिर आएगा भी नहीं फिर तो मैंने फिबोनाची कराई हो तो पहले ही बता चुका था। यस सर अगर डाउट आता तो बेलमैन फोर्ट नहीं आता बस। वेरी गुड। हाँ बस पूरा लिख दिया करो। उन्होंने पूरा लिखा ही नहीं है। टर्मिनेशन कंडीशन भी गायब है। चलो देखो तुमसे क्या सबसे पहले टर्मिनेशन कंडीशन क्या है बोलो। Either of m or n equal to 0 then 0। कोई भी 0 हो गया तो 0। तो देखो तुमसे if m equal to 0 और n equal to 0 m equal to 0 or n equal to 0 return 0 now as if अब अगर दोनों हम नेक्स्ट में आए हैं मतलब इसका मतलब क्या है कि दोनों ही हमारे नॉन जीरो हैं। दोनों ही हमारे नॉन जीरो हैं। तुमने लास्ट सिंबल को देखा xm equals y of n। अगर लास्ट सिंबल दोनों के मैच करेगा मतलब हमारा बेस्ट केस तो 1 plus lcs of m minus 1 comma n minus 1 क्लियर है? यस। अब इसका मतलब क्या है कि मैच नहीं किए xm is not equal to yn क्लियर ना? यस सर। हम क्या करेंगे मैक्सिमम देखेंगे किस लेंगे हम LCS of m comma n minus 1 and LCS of m minus 1 comma n clear है? Yes sir। लिख लो जल्दी से। अगर मैं लेकर से प्रोग्राम की बात करूं तो देखिए एकदम से सॉरी ये भी अच्छे से सही भी नहीं हो पाया फिर से होने लगा है क्या सर? हमको भी हो जाएगा सर ऐसे चीजों। नाइस वन नाइस वन। देखिए जल्दी इफ m इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 0 रिटर्न 0 else if x of m equals y of n return clear sorry 1 plus hoga na clear जल्दी बोलो। यस सर। एल्स एक फंक्शन कॉल ले ली मैंने क्या LCS m कॉमा n माइनस 1 एक फंक्शन कॉल ले ली मैंने क्या LCS m माइनस 1 कॉमा n। यस सर। ये हमारा a हो गया ये हमारा b हो गया तो c क्या कर लिया मैंने दोनों का मैक्सिमम ले लिया रिटर्न Thank you.
अब बोलो जल्दी से क्लियर है कि नहीं। यस सर। जल्दी से लिखो। एक सेकंड लिखने के पहले सुनिए ध्यान से, चल रहा है ना, एक सेकंड लिखना बंद करो, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, चल रहा है? यस सर। आगे काम सब कुछ? यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया आपका LCS। अब आपका काम क्या है, आपको मुझे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है, आपको मुझे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। और सुनिए ध्यान से, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस केस में बताओगे, बेस्ट केस वर्स्ट केस? वर्स्ट केस में आपको मुझे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। और मुझे ये बताओ जरा, सुनिए ध्यान से, चलो एक हिंट दे देता हूँ, अगर इस रिकर्सिव प्रोग्राम से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ तो ट्री बनेगा, वो कौन सा ट्री बनेगा? बोलो ट्री कौन सा होगा, पपाया ट्री, बनियान ट्री, बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री होगा। अब वो बाइनरी ट्री कितने लेवल, बोलना नहीं अभी, वो बाइनरी ट्री आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है, एज वेल एज इससे बनने वाला जो बाइनरी ट्री होगा, ये मैंने बताई दिया आपको बाइनरी ट्री होगा, वो कौन सा, वो कितनी लेवल का बाइनरी ट्री होगा आपको वो बताना है मुझे, ठीक है? और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस केस में बतानी है आपको, वर्स्ट, ठीक है ना? हेलो, यस, काम करिएगा कि, चलो अभी बोलूंगा नहीं, ये बताइएगा। और फिर अगर इतना कर लिया है और माइंड का यूज कर सकते हो, तो अभी तो जो हम कर रहे हैं वो विदाउट डीपी कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? Yes, sir. फिर विद डीपी बताइएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एज वेल एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है आपको। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. कितनी देर का टाइम लू? एग्जैक्टली 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बहुत सिंसियरली अटेम्प्ट करिएगा, बहुत सिंसियरली अटेम्प्ट करिएगा। अरे टेंशन ना लो, अभी 5 बजे हैं, अराउंड 7 तक, नहीं तो मैक्स टू मैक्स 7:30 तक रैप हो जाएगा, सिंसियरली करिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं करना चाहता मैं कि लास्ट टॉपिक है उसमें केवल मैं ही बता दूं, माइंड को रन करने का मौका ही ना दूं, करिए।
वेरी गुड भूपेन, करूं अब मैं? Yes, sir. चलो जल्दी से मुझे बताओ जरा, इससे बनने वाला जो हमारा दिखता सही सर बताओगी वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड शिवांश, वेरी वेरी गुड। चलो अब देखो ध्यान से, अगर मैं प्रोग्राम या रेफरेंस रिलेशन से बोलूं तो मैं उधरी से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता सकता हूं, तो ध्यान से सुनो जरा जल्दी से। पहले तो आप लोग मुझे बताओ जरा, इससे बनने वाला जो हमारा बाइनरी ट्री होगा उसमें लेवल्स कितनी होंगी? बोलो मैक्सिमम ऑफ एम एन पाप, इसीलिए मैंने दिया था आपको। देखिए अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करूं तो इसमें कितना टाइम कांस्टेंट टाइम, ठीक है ना? सुनिए ना से, यस सर। आप कह सकता हूं इफ एक्स एम इक्वल्स वाई एन रिटर्न 1 प्लस एलसी ऑफ एम एम माइनस 1 कॉमा एन माइनस 1, वन कंपैरिजन, वन कंपैरिजन विल टेक कांस्टेंट टाइम, यूजिंग कांस्टेंट टाइम प्रॉब्लम साइज हमारा माइनस 1 प्रॉब्लम साइज में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं? यस सर। कह सकता हूं कांस्टेंट 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 कितनी बार कांस्टेंट, जो भी इनमें से मिनिमम होगा वो पहले टर्मिनेट हो जाएगा। कह सकता हूं ऑर्डर ऑफ मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन, ये कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बेस्ट केस की, समझ में आ रहा है? यस सर। केस की है बेस्ट केस की, क्यों? बेस्ट केस में परमानेंट मैचिंग होगी कि नहीं होगी? यस सर। लो अब अगर मैं वर्स्ट केस की बात करूं तो वर्स्ट केस में कभी भी मैचिंग नहीं होगी। यस सर। लेट्स सपोज मैंने ले लिया कि एक्स क्या है हमारा, लो कभी मैचिंग होने नहीं दूंगा मैं, ए ए ए ए, और वाई ले लिया मैंने क्या है, बी 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 बी, अलग अलग ले लेता हूँ ताकि क्लैरिटी ज्यादा मिले, ठीक है? अब देखो ध्यान से, कभी भी मैचिंग नहीं होगी। यस सर। क्लियर है? ये हमारा क्या है, वर्स्ट केस है। अब ध्यान से देखना, वर्स्ट केस में एक फंक्शन कॉल एलसीएस एम कॉमा एन, एक फंक्शन कॉल दो दो फंक्शन कॉल को कॉल कर रही है कि नहीं? एक फंक्शन कॉल में n डिक्रीमेंट हो रहा है, एक फंक्शन कॉल में m डिक्रीमेंट हो रहा है, दोनों ही फंक्शन कॉल में m और n डिक्रीमेंट हो रहे हैं by 1। Yes, yes, sir. और फिर एक कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन में तो कांस्टेंट टाइम, रिटर्न में तो कांस्टेंट टाइम। Yes, sir. देखिए ध्यान से, एक से दो, एक से दो, एक से दो बाइनरी ट्री बनेगा, कितने लेवल का बाइनरी ट्री बनेगा? सुनो ध्यान से, एक जगह m डिक्रीमेंट हो रहा है, एक जगह n डिक्रीमेंट होगा, और कहने का मतलब हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, दोनों ही जीरो। Yes, sir. इसलिए कह सकता हूँ एम प्लस एन लेवल का बाइनरी ट्री बनेगा कि नहीं? यस सर। चलो अभी बना के दिखाता हूँ आपको, देखो ध्यान से मैं ये रब कर रहा हूँ, देखिए वो सीक्वेंस मैंने वही ले लिए जो अभी आपको लिखे थे, एक्स ले लिया आपका 4 टाइम्स, ये ले लिया 5 टाइम्स, ठीक है? चलो अब देखो रतन से, तो मुझे क्या निकालना है, LCS of 4.5 or not? Yes sir. Yes sir. 4.5 रियलिटी में बोलूं तो ये क्या है हमारा M है, ये क्या है हमारा N है, ठीक है? मैं worst case के लिए कर रहा हूँ, worst case में कभी मैचिंग होगी? Yes sir. तो देखो ध्यान से, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, क्रिस्टल क्लियर समझना, ये किसमें कन्वर्ट होगा, LCS 4.4 में और LCS 3.5 में, क्लियर है? Yes sir. समझ में आ रहा ना, m कॉमा n माइनस 1, m माइनस 1 कॉमा n, सिमिलरली ये किसमें कन्वर्ट होगा, 4.3 3.4, सिमिलरली ये किसमें कन्वर्ट होगा, 4.2 3.3, ये किसमें कन्वर्ट होगा, 4.1 3.2, ये किसमें कन्वर्ट होगा, 4.0 3.1। अब देखो ध्यान से, ये तो हमारा टर्मिनेशन कंडीशन क्लियर है ना? हेलो, अरे 4.0 2.0 1.1 टर्मिनेशन कंडीशन, ये किसमें कन्वर्ट होगा,
अब दोनों ही टर्मिनेशन कंडीशन यस सर कौन ऐसी बीच की फिलिंग होगी बीच का मैं नहीं बना रहा हूँ आपका चलो देखो हमसे ए सी बना देता हूँ ये किसमें कन्वर्ट होगा m कॉमा n माइनस 1 कॉमा 4 3 कॉमा 4 2 कॉमा 5 ठीक है अब ये बीच का नहीं बना रहा हूँ मैं ठीक है यस सर किसमें कन्वर्ट होगा 2 कॉमा 4 2 कॉमा 4 1 कॉमा 5 1 कॉमा 5 ये किसमें कन्वर्ट होगा 1 कॉमा 4 0 कॉमा 5 अब ये टर्मिनेशन कंडीशन ये किसमें कन्वर्ट होगा 1,3, 0,4 फाइनली ये हमारा किसमें कन्वर्ट होगा 1,0 ठीक है ना यस सर ना ये वो zoom in, zoom out करने की वजह से ऐसा हुआ है लेवल चेंज हो गई यस सर ना ये देखो ना ये दोनों एक लेवल पे ये सारे 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 एक लेवल पे फाइनली ये सारे एक लेवल पे यस सर है ना अगर आप ध्यान से बनाओगे तो आपका एक ही लेवल पे एंड होगा दोनों ही ट्री तो ध्यान से देखिए आपसे बोलूंगी देखो ध्यान से ये m लिया मैंने तो देखो ध्यान से ये n लिया 5 4 3 2 1 ये m लेवल हो गई कि नहीं हो गई फिर देखो ध्यान से 4 3 2 1 ये n हो गई कि नहीं हो गई तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो m प्लस n लेवल का ट्री बन गया कि नहीं बन गया यस सर क्लियर है यस सर कह सकता हूं अब ध्यान से सुनिएगा ये हमारा ऑब्वियसली कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है लेकिन अपर बाउंड में तो मैं कह सकता हूं ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है सबको यस सर जल्दी से पहले ये ट्री बना लो जल्दी सब लोग अपनी नोटबुक में ये ट्री बना लो और ये बाद में पॉइंट लिखवाऊंगा कि यहाँ पे फंक्शन कॉल रिपीट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं यस सर यस सर ठीक है जिस वजह से हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे जाएंगे पहले तो ये ट्री बना लो जल्दी सब लोग डन यस सर चलिए अब देखिए रतन से तो अब मैंने आपसे बोला मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करता हूँ डिटेल में सुनिए रतन से तो लग कर रहा हूँ उसको ना देखिए रतन से LCS ऑफ m कॉमा n विल जनरेट व्हाट कह सकता हूँ m प्लस n लेवल कंप्लीट बाइनरी ट्री अपर बाउंड में अपर बाउंड मतलब लेस देन इक्वल टू क्लियर है यस सर नाउ तो देखिए ध्यान से m प्लस n लेवल कंप्लीट बाइनरी ट्री में नंबर ऑफ फंक्शन को नंबर ऑफ नोड्स कितनी होती हैं 2 की पावर m प्लस n माइनस 1 यस सर नोड्स तो कह सकता हूं ये क्या होंगी हमारी 2 की पावर माइनस 1 तो क्या है कांस्टेंट और ये नोड्स क्या है हमारी फंक्शन कॉल ही तो है हां सर तो अब ध्यान से सुनो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है नंबर ऑफ फंक्शन कॉल इनटू फंक्शन कॉल कॉस्ट क्योंकि कॉस्ट तो सबकी सेम हमारी कांस्टेंट एक कंपैरिजन यस सर तो कह सकता हूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी 2 टू द पावर m प्लस n इनटू कांस्टेंट व्हिच इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर m प्लस n क्लियर है यस सर
लिख लो जल्दी से। देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम इनपुट प्लस एक्स्ट्रा, इनपुट क्या हमारा m plus n, दो हमारे सीक्वेंसेस गिवन है m plus n, तो एक्स्ट्रा क्या, एक्स्ट्रा स्टैक स्पेस नंबर ऑफ लेवल्स व्हिच इज आल्सो m plus n plus m plus n इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ m plus n। क्लियर है? यस सर। लिखो जल्दी से। Done? Yes. Yes, sir. लिखी in the above recursive tree, in the above recursive tree, in the above recursive tree, many function calls are repeating. In the above recursive tree, many function calls are repeating. Many function calls are repeating. So we will go to DP. So we will go to DP. Which will solve only distinct function calls. Likha? Yes. Yes, sir. फिर हेडिंग डालिए विद डीपी, विद डीपी। लिखिए क्वेश्चन, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स आर देयर इन एलसीएस ऑफ एम कॉमा एन, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स आर देयर इन एलसीएस ऑफ एम कॉमा एन, इन एलसीएस ऑफ एम कॉमा एन। ठीक है, अब मुझे एग्जैक्टली बताइए, एग्जैक्टली मतलब मैथमेटिकली कितनी डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स होंगी। कह सकता हूं टेबल स्पेस हम कितना लेते हैं, जितनी डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल होती है। यस सर। फंक्शन कॉल पॉसिबल है, तो अब मुझे बताइए एग्जैक्टली टेबल स्पेस कितना लेंगे। कह सकते हो जितनी डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल पॉसिबल है, तो कितनी डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल पॉसिबल है एलसीएस एम कॉमा एन के लिए, मैथमेटिकली बताइए पहले। सर m into n तो था पाप, मैं एग्जैक्टली पूछ रहा हूँ रौनक। सर m एग्जैक्टली सर क्या कौन बैकग्राउंड में बोला था m प्लस कुछ m प्लस 1 into n प्लस 1 m प्लस 1 into n प्लस 1 कैसे अरे ये तो बताओ कैसे सर हर वैल्यू जैसे कि 4.5 है तो जो 4 होता है वो 0 तक जाता है और 5 भी 0 तक जाता है तो यानी कि 0 0 भी होगी नो सर क्या नाम है आपका केतन केतन मैं वेरी वेरी गुड बोलना चाहता था और आपने ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट ले ही लिया था लेकिन बाद में छोटा सा पाप कर दिया। हाँ केतन 0 0 भी होगी। देखो ध्यान से डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल में अगर बेस्ट केस बनता है एलसीएस एम एलसीएस 1.1 बनता है अब ये दोनों सिंबल मैच कर जाते हैं तो ये 1 प्लस एलसीएस 0.0 नहीं होगा केतन। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि सर वर्स्ट केस में तो ये नहीं बनेगा लेकिन हमें तो नहीं पता है ना प्रैक्टिकली कौन सा केस बनने वाला है बेस्ट केस वर्स्ट केस। तो टेबल में जो स्पेस आप रखोगे वो सारी सारी डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल की पॉसिबिलिटी के लिए रखोगे कि नहीं रखोगे केतन। हेलो यस सर वेरी वेरी गुड
अरे पहले एकदम करेक्ट बोला था, m प्लस वन इंटू n प्लस वन होगी, जीरो जीरो भी होगी। चलो देखो रेजान सही नौ, तो ये आंसर कहां से आया? PNC से। अरे सलमान खान ने बताया, सलमान खान का बताया था ना आप लोगों को थोड़ा सा? नो सर, सलमान खान के बारे में नहीं बताया था? नो सर, कभी मैंने सलमान खान पढ़ाता है? नो सर, सलमान खान इतना फेमस है पता है ना क्यों? अच्छा हाँ बताया, शर्म नहीं आ रही, याद ही नहीं आ रहा है किसी को। अरे सुनो ध्यान से, सलमान खान इतना फेमस क्यों है? कई लोग कह रहे हैं सर वो एनजीओ चलाता है बीइंग ह्यूमन, अरे वो पढ़ाता भी है, अब क्या घर पे आके पढ़ाएगा? चलो सुनो ध्यान से, सुनिए मैंने आपसे पूछा 72 के कितने फैक्टर्स है, तो बचपन में आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, 72 के फैक्टर, फैक्टर तो पता है ना, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72। किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लोगे ना? Yes, sir. क्या ऐसे निकालोगे कि करके सारे लिख दिए? No, sir. कैसे निकालोगे? ये यस सर किसने बोला था? यस सर किसने बोला था? माधवी है ना ये? किसने यस सर बोला था, नाम तो बता दो। यस सर, रिश्ता। हाँ रिश्ता, कैसे निकालोगे नंबर ऑफ फैक्टर? बोलो बोलो बताऊंगी। हाँ चेक करते जाएंगे, एक एक करके चेक करेंगे और क्या, मतलब उसके हाफ तक कर लेंगे चेक। हाँ हाँ, हमारे पास कोई काम थोड़ी ना है, यही करते रहेंगे हम। शर्म नहीं आ रही, ऐसे चेक करेंगे हम? नो सर। देखो जरा ध्यान से, बचपन में याद आ रहा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे आप? Yes, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, कोई भी फैक्टराइजेशन करते थे? प्राइम क्यों? वो नहीं पूछा था सर हमने, बोलो। प्राइम फैक्टराइजेशन ही क्यों किया जाता था बताऊंगी नहीं सर मैं, अरे बता दो। हेलो हेलो ठीक है सर, प्राइम नंबर्स तो वो बेसिक, मतलब सारे नंबर्स से उनसे बन सकते हैं। वेरी गुड, खत्म। इतना सिंपल सी रीजनिंग है, प्राइम नंबर आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी नंबर एक्सेप्ट वन, वी कैन कंस्ट्रक्ट ईच एंड एवरी नंबर यूजिंग प्राइम्स एक्सेप्ट वन, इसीलिए हम हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 72 क्या होता है, 8 into 9, और 8 क्या होता है हमारा 2 क्यूब, 9 क्या होता है 3 स्क्वायर। हेलो यस सर, तो अब ध्यान से सुनिएगा, केतन यू हैव 3 शर्ट्स एंड 2 पेयर ऑफ ट्राउजर्स, इन हाउ मेनी वेज कैन यू ड्रेस अप? हेलो, अरे कोई तो बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. अरे आपके पास 3 शर्ट है, 2 पेयर ऑफ ट्राउजर, कितने तरीके से तैयार हो सकते हो, इसमें भी सोच रहे हो? 6 लैंग्वेज क्या होगी? यू हैव टू सिलेक्ट 1 शर्ट आउट ऑफ 3 शर्ट इन हाउ मेनी वेज? 3 वेज। यू हैव टू सिलेक्ट 1 पेयर ऑफ ट्राउजर आउट ऑफ 2 पेयर ऑफ ट्राउजर इन हाउ मेनी वेज? 2 वेज। क्लियर है? यस सर। अब सुनिए ध्यान से, सलमान खान हैज 3 शर्ट्स एंड 2 पेयर ऑफ ट्राउजर्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ही ड्रेस अप? बोलो। अरे सलमान खान जानते हो ना सलमान खान को? अरे सलमान खान है 3 शर्ट्स एंड 2 पेयर ऑफ ट्राउजर्स, इन हाउ मेनी वेज कैन यू ड्रेस अप? 6 पाप, शर्म नहीं आ रही। रौनक वो सलमान खान है, रिश्ता वो सलमान खान है, वो जरूरी नहीं है शर्ट पहनेगा। रौनक क्या फायदा दिमाग में आने का, क्या फायदा दिमाग में आने का, कि ऑब्वियसली बात है आपके दिमाग में आ रहा है कि आप मेल हो, लेकिन चिल्ला चिल्ला के बोले जा रहे हो फीमेल हो। सुनो जाते नॉर्मल ह्यूमन बींग की बात करूं, बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज व्हाट?
डिस्टिंक्ट तो आप ध्यान से सुनिएगा, बाय डिफॉल्ट शर्ट भी डिस्टिंक्ट थी, ट्राउजर भी डिस्टिंक्ट थे, शर्ट थी हमारी S1 S2 S3, ट्राउजर थे T1 T2। अब मैंने बोला सलमान खान ने 3 शर्ट्स एंड 2 पेयर ऑफ ट्राउजर इन हाउ मेनी वेज कैन ही ड्रेस अप। तो देखो ध्यान से, जब आपकी बात की थी तो आपने क्या बोला था, यू हैव 3 चॉइसेस इधर S1 और S2 और S3। सलमान खान के पास 4 शर्ट्स, 4 चॉइस हो जाएंगी, इधर S1 और S2 और S3 और S0, नो शर्ट। यस सर। And for trouser, he has how many choices? 3 choices, T1, T2 और T0. अरे हंस क्या रहे हो? मैंने आपको इसीलिए बताया, सुनिए ध्यान से। बहुत साल पहले एक मूवी आई थी, प्यार किया है तो डरना क्या, वो मूवी सलमान खान ने इसलिए बनाई थी ताकि वो आप लोगों को सिखा सके कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। फिर जब आप लोग भूल गए तो फिर उसने सुल्तान मूवी साइन की। आप समझ में आ रहा है सलमान खान इतना फेमस क्यों है? सलमान खान का लॉजिक इधर पे वर्क क्यों कर रहा है? देखो यस सर इतनी स्पीड में बोलोगे, मैंने पूछे बताओ क्यों कर रहे हैं, वो बोलेंगे नहीं, हम नहीं बताएंगे। अरे शर्म नहीं आ रही, समथिंग पावर 0 इज 1 और 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। Yes, sir. Yes. तो ध्यान से आपके पास जो 3 शर्ट थी उनकी चॉइस, वो 3 शर्ट कौन कौन सी थी? 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3। जो 2 ट्राउजर थे आपके पास वो कौन कौन से ट्राउजर थे? 3 पावर 1 3 पावर 2। तो आप चॉइसेस यही बोलते थे? Yes, sir. देखो यार ध्यान से, अब आ गया सलमान खान। सलमान खान के पास सबसे पहले तो एक चॉइस कौन सी आ गई? नो शर्ट नो ट्राउजर, नो शर्ट ट्राउजर 1, नो शर्ट ट्राउजर 2, शर्ट 1 नो ट्राउजर, ट्राउजर 1 ट्राउजर 2, शर्ट 2 नो ट्राउजर, ट्राउजर 1 ट्राउजर 2, शर्ट 3 नो ट्राउजर, ट्राउजर 1 ट्राउजर 2। यस सर। ध्यान से देखो 2 पावर 0 3 पावर 0 1 आ गया, 1 हर नंबर का फैक्टर, ये क्या आ गया 3 आ गया, ये आ गया 9 आ गया, ये क्या आ गया 2 आ गया, ये क्या आ गया 6 आ गया, ये 9 2 18 आ गया, ये 4 आ गया, ये 12 आ गया, 9 4 36 आ गया, ये हमारा 8 आ गया, ये 24 आ गया, ये 72 आ गया। जो समझ नहीं आया अभी भी? आ गया सर। ध्यान से सुनो जरा, सलमान खान का लॉजिक इधर पे वर्क क्यों कर रहा है? बिकॉज सलमान खान हो सकता है शर्ट ना पहने, हो सकता है ट्राउजर ना पहने, सिमिलरली फैक्टर में होता क्या है? समथिंग पावर 0। आप 2 की कोई भी पावर नहीं लोगे वो भी तो एक फैक्टर है, बिकॉज समथिंग पावर 0 इज 1 एंड 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। जल्दी बताओ जरा, ये सुल्तान मूवी कितने लोगों ने देखी थी? सबने देखी होगी सर। सबने देखी, वो सिखाना क्या चाहता था वो नहीं सीखा, मूवी सबने देख ली। सीखी ना, पहलवानी देखी है सर। अरे बेटा वो पहलवानी नहीं सिखाना चाहता, सलमान खान पहलवान नहीं है रियलिटी में। चलो देखो ध्यान से, सुनिए ध्यान से। अब मैंने आपसे बोला सबसे पहले तो अब मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालता हूँ, मुझे एल्गोरिथम नहीं आती। सुनिए ध्यान से, LCS M comma N की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी without DP? देखो ध्यान से, आपसे क्या बोला था, दो सीक्वेंसेस है X और Y, इसमें M सिंबल इसमें N सिंबल। आपसे पूछा है मैंने LCS M comma N की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो ध्यान से सुनिएगा, सीक्वेंस हमारा होता क्या है, सीक्वेंस हमारा सबसीक्वेंस हमारा होता क्या है, जस्ट द गिवन सीक्वेंस इन विच जीरो और मोर सिंबल लेफ्ट आउट। क्या मैं कह सकता हूं उसका सबसेट होता है कि नहीं होता है सीक्वेंस का? यस सर। तो अगर m सिंबल है तो इसके सबसेट कितने पॉसिबल होंगे? 2 पावर n, इसके 2 पावर n। अरे और सबसेट, सबसेट कोई फार्मूला, ये तो होगा या नहीं होगा, ये तो होगा या नहीं होगा। यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। कितने पॉसिबल? 2 पावर n। इसके सबसीक्वेंस कितने पॉसिबल? 2 पावर n। वर्स्ट केस में इसका हर एक सबसीक्वेंस इसके हर एक सबसीक्वेंस के साथ मैच होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर m प्लस n, यानी कि 2 पावर m * 2 पावर n इज नथिंग बट 2 पावर m प्लस n। सलमान खान के पास 4 शर्ट 5 पेयर ऑफ ट्राउजर कितने तरीके से तैयार हो सकता है? 4.5 में 4, ये किसमें चेंज होगा? 3 2 1 0, 4 3 2 1 0। देखो ध्यान से, 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5। सिमिलरली 4.5 4.5 4.4 3 2 1 0 एंड सो ऑन। यस सर।
यस सर अगर मैं इसकी बात करूं तो 4 प्लस 1 इनटू 5 प्लस 1 अगर जनरलाइज करूं तो m प्लस 1 इनटू n प्लस 1 यस सर ध्यान से सुनिएगा एलसीएस 0 0 के भी हमारी डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल होगी उसके लिए हमें टेबल में स्पेस छोड़ना होगा यस क्लियर है यस ये लिखिए जल्दी से एलसीएस एम कॉमा एन इंप्लाइज एम प्लस वन इंटू एन प्लस वन डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स जो मैं परमानेंट बोलता हूँ इन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ जो आइडिया लगा रहे हो वो हर जगह इंप्लीमेंट करो तो प्लस वन तो क्या है हमारा कॉन्स्टेंट हटा दिया यानी कि एम एन डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स और एक डिस्टिंक्ट एक फंक्शन कॉल की कॉस्ट क्या है कॉन्स्टेंट फंक्शन कॉल की कॉस्ट तो अभी भी एक अभी भी कंपेरिजन ही है एक तो एम एन इंटू कॉन्स्टेंट विच इज ऑर्डर ऑफ एम एन और ऑर्डर ऑफ n square if m equal to m. Done? Yes. Now, heading डालिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जल्दी से बताइए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी क्या कर रहे हो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बताओ ये लिख लिया है चलो देखो ध्यान से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या कर रहे हो ये क्यों नहीं बता रहे इनपुट प्लस बोलिए जल्दी एक्स्ट्रा इनपुट कितना m प्लस n एक्स्ट्रा क्या होगा स्टैक प्लस टेबल स्टैक नंबर ऑफ लेवल्स यस सर टेबल डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स नंबर ऑफ लेवल कितनी m प्लस n डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल कितनी order of m into n yes sir so mn plus this kya aayega order of mn order of mn yes padam isme kya soch mein pad gaye the clear yes sir अब हेडिंग डालिए मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन हो गया बोलो यस सर कोई डाउट नो सर हाँ चलो दिखने से नो हेडिंग डालो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में एमसीएम डाली Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से सुनिएगा मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन जैसे कि हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पहले भी देखा था पहले तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ फिर बताता हूँ कि गेट में ऑलरेडी दो क्वेश्चन आ चुके हैं लेकिन दोनों के दोनों आपके अभी तक फालतू क्वेश्चन ही आए हैं ठीक है उसके लिए आपको मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन नहीं भी बताओ ना तब भी कोई इशू नहीं है ठीक है वो क्वेश्चन ही इतने सिंपल है उसने क्वेश्चन में ही सब कुछ दे रखा था हेलो
यस सर यस सर इस एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें हैं अच्छी जो पूछ सकता है वो अभी तक उसने नहीं पूछी है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर में कभी पूछ सकता है। तो पहले तो ये समझे ये क्वेश्चन है क्या, ये एप्लीकेशन है क्या, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन मतलब इसके लिए इनपुट क्या होगा, या हमें मैट्रिसेस को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें बताना है कि चेन ऑफ एन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का ऑप्टिमल वे क्या है। समझ में आ रहा है? चेन ऑफ एन मैट्रिसेस हैं, चेन ऑफ एन मैट्रिसेस हैं, उनको मल्टीप्लाई करने का ऑप्टिमल वे क्या है विदाउट ब्रेकिंग द चेन। विदाउट ब्रेकिंग द चेन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल फोर मैट्रिसेस है एबीसीडी, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन के बाद ऑर्डर यही रहना चाहिए एबीसीडी, ये नहीं होना चाहिए कि सी को उठा के इधर रख दिया। क्लियर है? यस सर। मल्टीप्लाई करने का ऑप्टिमल वे क्या है? अब ऑप्टिमल वे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज पॉसिबल होते हैं। क्यों पॉसिबल होते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की वजह से। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? शिफ्टिंग ऑफ पेरेंथेसिस। क्यों? इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि पहले हमने क्या किया ए बी को किया, फिर हमने इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन किया सी के साथ, फिर पूरे का मल्टीप्लिकेशन साथ, और हम इसको ऐसे भी पहले हमने बीसी को किया, फिर हमने उसका मल्टीप्लिकेशन डी के साथ किया, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन ए के साथ किया। Yes, sir. And so on, different possible ways होंगे मल्टीप्लाई करने के। क्यों होंगे? Because of associative property. Yes, sir. Chain multiplication का मतलब क्या है? हमारा goal क्या है? Optimal, हमें find करना optimal way of arranging the parentheses. Optimal way of arranging the parentheses का मतलब क्या? Optimal way to multiply chain of n matrices. Clear सबको? Yes, sir. तो सबसे पहले तो देखिए, मैं पहले मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन पे हम बाद में जाएंगे, ठीक है? तो पहले तो एकदम डिटेल में बताता हूँ आपको। देखिए से एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर सपोज 2x3, ये मैट्रिक्स पी के साथ मल्टीप्लाई होती है, इसका ऑर्डर है लेट सपोज 3x5, ठीक है? तो मुझे ये बताइए इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में मल्टीप्लिकेशन कितने लगेंगे। मैंने बोला इनकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनती है हमारी सी, तो सी का ऑर्डर बताइए जल्दी से क्या होगा। आपको शुरुआत की सेकंड या थर्ड क्लास में ही बताया था, एक 2x3 की मैट्रिक्स है, मतलब 2 रो 3 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, इसका ऑर्डर है 3x5, यानी कि 3 रो 5 कॉलम, ठीक है? तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी सी, जिसका ऑर्डर होगा 2x5, यानी 2 रो 5 कॉलम। यस सर, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं याद आ रहा है? दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस। यस, कह सकता हूँ हर एक एलिमेंट के लिए 3-3 मल्टीप्लिकेशन लगेंगे कि नहीं लगेंगे जो इधर से आते हैं। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। तो कह सकता हूँ सी कंटेन 2x5 एलिमेंट, एंड टू गेट ईच एलिमेंट ऑफ सी 3 मल्टीप्लिकेशंस आर रिक्वायर्ड, तो टोटल मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड आर 30। यस सर। जल्दी से पहले ये लिख लो। लिखा? Yes, sir. लिखिए क्वेश्चन, लिखिए एक बार क्वेश्चन डिटेल में लिख लो। Determine minimum number of multiplications required to multiply. Determine minimum number of multiplications required to multiply given chain of n matrices. क्वेश्चन नंबर वन, सिंपल से ही स्टार्ट कर रहा हूं। ई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 7x5,
ये मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई, और चेन कभी भी ब्रेक मत करना, ठीक है ना? यस सर। सेकंड वन, ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर ले लिया मैंने 2x7, बी मैट्रिक्स ले लिया 7x5 और सी मैट्रिक्स ले ली 5x4, ठीक है? चलो पहले दो करोगे, उसके बाद मैं बता दूं थोड़ा सा कि एक साथ क्वेश्चन दे दूं, बोलो जल्दी से। ये सब पहले दो करो। अरे अब लो तीसरा लिख ही दिया मैंने, 2x3 ले लो, 3x5 ले लो, 5x7 ले लो, 7x4 छोटा ले लो, 2x1 1x3 3x2 2x3 करिए। सर थर्ड वाले में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा ना? सॉरी सॉरी, वो 3x5 कर लो। अब मैं करता हूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने लग रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, बस बस कैलकुलेशन और कैलकुलेशन करनी है और हमें कुछ नहीं करना है, ये है ना? अरे yes, चलो दिखाई देता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन, मैंने आपसे पूछा, आप ध्यान से देखिए, दो मैट्रिसेस हैं तो 100% को मल्टीप्लाई करने के तरीके कितने, एक ही तरीका है? yes, तो जो हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी उसका हमारा ऑर्डर क्या होगा, जैसी समझ में ना है बता देना, बस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 7x2, यानी कि उसमें एलिमेंट कितने, 7x2 14 एलिमेंट्स, और हर एक एलिमेंट के लिए कितने मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड, 5, तो ओवरऑल कितने, 7x5 35 270, कोई डाउट? बोलो क्लियर सबको? चलो देखो रहता हूँ। अब मैंने बोला क्वेश्चन नंबर टू, हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बनेगी, एबीसी। अब ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होंगे, क्या पहले हम ए बी को करें फिर सी के साथ कर दें, या फिर पहले हम बी सी को करें बाद में ए के साथ कर दें। yes, जहां से भी मिनिमम लगेंगे वो हमारा आंसर। ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन, ये क्लियर है सबको? yes, तो अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने पहले ए बी को किया, देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, बार बार पूरा लिख नहीं रहा हूँ, ए बी को किया तो देखिए ए बी को करने में कितने मल्टीप्लिकेशन लगेंगे, जो नई मैट्रिक्स बनी है उसका ऑर्डर 2x5,
यानी n कितने 5 10 हर एक के लिए 7 यानी कि 70 मल्टीप्लिकेशन लग गए कितने लग गए यस सर 70 मल्टीप्लिकेशन लग गए किसमें ab के लिए अब अगर इस पूरी ab मैट्रिक्स को आप c के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो कितने और लगेंगे तो देखो ध्यान से ऑर्डर क्या बनेगा 2 4 8 तो 8 हर एक के लिए 5 8 5 40 ध्यान से 110 लग गए कि नहीं लग गए यस सर कोई डाउट चलो देखो अब अगर मैं पहले करता बीसी को मल्टीप्लाई पहले बीसी को मल्टीप्लाई करता तो देखो रेजाम से 7 4 28 5 28 5 140 अब ध्यान से देखो वैसे तो अब अगर पेपर की बात की जाए तो अब करने की जरूरत ही नहीं क्यों अभी इधर पे 140 हो गया ये समझ में आ रहा है अभी 140 हो गया तो ऑब्वियसली बात है अब हो ही नहीं सकता तो पेपर में ये करने की जरूरत नहीं चलो फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो मैं करके दिखा दे रहा हूं अब ए के साथ अगर आप करोगे तो क्या 2 4 8 8 7 56 यस सर इसीलिए कहता हूं कि बस कैलकुलेशन पे थोड़ी सी स्पीड लेके आ जाओ नो डाउट नो सर जल्दी से पहले 1 2 कर दो ये दोनों रब कर रहा हूं मैं बता दे रहा हूं ऑब्वियस सी बात है अब ये गेट में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए क्योंकि यही मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए दो दो बार गेट में आ गया 2 2 मार्क का क्वेश्चन करू रब Yes, sir. चलिए सुनिंदा से अब मैं कर रहा हूं तो तीन वाली तो कर लोगे ना सीधे चार वाली करके दिखा दूं yes, sir. समझ में आना ना तीन को मल्टीप्लाई करने के कितने तरीके हैं दो तरीके हैं yes, sir. चलो देखो रहे से अब मैं बात करता हूँ फोर मैट्रिसेस हैं ए बी सी डी तो इनको मल्टीप्लाई करने के तरीके कितने इनको मल्टीप्लाई करने के तरीके कितने देखो ध्यान से मैंने क्या किया ए को अलग किया बी सी डी ए बी को अलग किया सी डी को अलग किया और फिर इन दोनों को कर दिया साथ में समझ में आ रहा है हेलो yes. फिर मैंने क्या किया ए बी सी को अलग किया और डी के साथ किया अब ध्यान से देखो बी सी डी अपने आप में ये बड़ी प्रॉब्लम है तो क्या किया बी को अलग किया सी डी बी सी को अलग किया डी ठीक है ए बी को करने का एक ही तरीका सी डी को करने का एक ही तरीका फिर फाइनली एक ही तरीका नो इधर पे देखो ध्यान से ए को अलग किया बी सी ए बी को अलग किया सी ये समझ में आ रहा ना ये वाला केस कौन सा केस है रियलिटी में ए को अलग किया बी सी फिर ये वाला केस है ये मल्टीप्लाई करने में कितने मल्टीप्लिकेशन सीडी को मल्टीप्लाई करने में ये मैं ऊपर वाला कर रहा हूँ ना पहले नीचे वाला कर दूं yes, sir. अरे बात तो एक ही एबीसीडी उधर पे भी नाम मैंने वही दे रखे हैं क्योंकि ऐसा ना हो मैं ऊपर वाला करूं बार बार मुझे नीचे वाला दिख जाए मैं गलत कर दूं कहीं चलो देखो ध्यान से पहले मैंने सीडी को किया तो कितने मल्टीप्लिकेशन देखो ध्यान से 3 3 9 2 18 यस सर ठीक है कोई डाउट हेलो नाउ सर पहले हम नॉर्मली करेंगे जैसे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे फंक्शन कॉल रिपीट हो रही है देखो सीडी सीडी रिपीट हो गया कि नहीं देखो एबी एबी रिपीट हो गया कि नहीं हो गया हेलो यस सर फिर मैंने इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन किया ए के साथ तो कितने लग गए 2 3 6 6 1 6 देखो 33 आ रहा है सबका गलत कर रहा हूँ मैं एक सेकंड में गुजरा सीडी को करने में रुक जाइए रहा 3 3 9 2 18 ठीक है फिर मैंने बी के साथ सीडी किया तो 1 into 3 3 3 into 3 9 ठीक है फिर ए के साथ किया
टू थ्री, अरे क्या कर रहा हूँ, टू, हाँ टू थ्री सिक्स, सिक्स वन सिक्स, फिफ्टीन और एटीन, थर्टी थ्री आ रहा है, देखो थर्टी थ्री आ रहा है. No. बोलो 33 आ रहा है. यस सर. चलो देखो ध्यान से ना, अरे कोई बता तो दो, आप लोग कैलकुलेट कर चुके हो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दूं कहीं. देखो ध्यान से, बीसी को किया तो 1 into 2 2, 2 into 3 6 ना. अब ध्यान से देखिए, इसका किया मैंने डी के साथ तो 1 into 3 3, 3 into 2 6 6 ना. फिर मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन किया ए के साथ, ए के साथ तो 2 3 6 6 1 6 ठीक है. तो 33 तो आंसर हो नहीं सकता, अभी तक का आंसर लग रहा है मैं 18 हो सकता है, उससे कम हो जाए, हो सकता है उतना ही रही. तो अब देखो ध्यान से, पहले मैंने AB को किया, AB को किया 2 3 6 1 6, इसमें CD में इतने लग गए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में और कितने लगेंगे, तो 2 3 6 6 3 18. क्लियर है? यस सर. तो कितने आ गए हमारे ओवरऑल, 42, मतलब ये भी नहीं हो सकता आंसर, ठीक है ना. वैसे तो जैसे ही हमने ये 6 निकाला तो ये पहले से 18 निकाल रखा था, अगर हम पेपर में करेंगे तो आगे कंप्यूट करेंगे नहीं, ये 24 हो चुका था अभी. बोलो. यस सर. चलो देखो ध्यान से, बीसी हम पहले कर चुके हैं, 6 आ रहे हैं उसमें, एबी हम पहले कर चुके हैं उसमें 6 आ रहे हैं, नौ बीसी का हमने किया ए के साथ. तो देखो ध्यान से, 2 2 4 4 1 4, फिर हमने किया डी के साथ, अभी देखो अभी आंसर हो सकता है, अभी तक तो 10 ही हुए, अब करते हैं हम इसका डी के साथ. तो देखिए ध्यान से, एबीसी का हमने किया डी के साथ, तो 2 3 6 6 डी के साथ किया, एक सेकंड, एबीसी का हमने डी के साथ किया 2 3 6 2 12 12 18 22. क्लियर? यस सर. अरे क्लियर है ना ये? यस यस सर. चलो आओ जरा, अब एबी का किया मैंने सी के साथ, तो देखो ध्यान से 2 2 4 3 12, फिर एबीसी का किया मैंने डी के साथ तो 2 3 6 2 12, इधर से 30. तो ओवरऑल मिनिमम कौन सा है हमारा? क्लियर है? यस सर. सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूं स्पीड में और कुछ भी नहीं कर रहा हूं. हेलो. यस सर. देखो अगर आपको डाउट आ रहा है तो वो कैलकुलेशन देखो बस, और कुछ कर ही नहीं रहा हूं. Yes, sir. Okay. सबको? Yes, sir. Yes, sir. कर दूं आप? Yes, sir. चलो देखो. चलो देखो रिजल्ट. अब मैंने इसका किया, सबसे पहले सीडी का किया, सीडी के लिए 5 5 4 20 27 140. यस सर. ना 5 4 20 27 140. फिर मैंने सीडी का किया बी के साथ, तो देखो 3 4 12 12 5 16. यस सर. फिर मैंने इसका किया ए के साथ, ए के साथ किया तो देखिए ना से 2 4 8 8 3 24. क्लियर? यस सर. और सीडी का 140 मैंने अलग से लिख दिया उधर. चलो देखो ध्यान से, अब मैंने पहले बीसी का किया, बीसी का किया तो देखो ध्यान से 3 7 21 21 5 105. यस सर. प्लस अब बीसी का किया मैंने डी के साथ तो 3 4 12 12 7 96. फिर बीसीडी का किया मैंने ए के साथ तो 2 4 8 3 24. तो 120 220 225. क्लियर? गलती कर दी क्या? नो सर. देखो ध्यान से, गलती तो नहीं की है कोई? नो सर, करेक्ट है. एक सेकंड रुक जाओ, बी सी डी का एक बार और देखता हूँ मैं. सी डी का सर एक साथ कैसे होगा? बी 3 4 12 7 12 7 7 12. अरे 12 7 84 होता है, 96 लिख रहा हूँ, कह रहे हो गलती नहीं की है. 84 हुआ तो ये कितना आ गया? 189 193 193 203 213. हाँ, कोई बीच में कुछ बोल रहा था? हेलो. यही सर, कैलकुलेशन का. ओके ओके, चलो देखो जानते.
अब बीसी मैंने पहले अलग लिख दिया, 105 हो रहे हैं इसमें, देखो ध्यान ध्यान से, एबी को किया, एबी को किया 2, 5, 10, 3, 30, ठीक है। अब ध्यान से देखिए जरा, अभी ऑब्वियसली ये 170 हो रहा है और ये दोनों ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हम करके देखेंगे, एबी का मैंने किया सीडी के साथ, तो 2, 4, 8, 2, 4, 8, 8, 5, 40, बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर। एबी में कितने लगे थे? 30 लगे थे, इधर अलग से लिख दिया। देखिए ध्यान से, अब बीसी में हमारे 105 लगे, अब मैंने बीसी का किया ए के साथ, तो देखो 2, 7, 14, 3, 42, फिर एबीसी का किया मैंने डी के साथ, तो 2, एबीसी का किया मैंने डी के साथ, तो 2, 4, 8, 8, 7, 56, 190, 190, 203, क्लियर? यस। नाउ एबी का किया मैंने सी के साथ, तो देखो 2, 7, 14, 5, 70। नेक्स्ट वन एबीसी का किया मैंने डी के साथ, तो 2, 4, 8, 8, 7, 56, 120, 156। देखो यही है मिनिमम हमारा। यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैलकुलेशन पे क्यों बोलता हूँ कि कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गेट में आपके पास कैलसी है, लेकिन इतने छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन क्या कैलसी में करोगे? नो सर। बता दे रहा हूँ, अगर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो कैलसी में ज्यादा टाइम लगेगा। अरे कोई यस सर बोल रहा है बेटा, कर भी लोगे ना, अगर कर लोगे तो आप ये समझ लो बस रैंक से बहुत दूर चले जाओगे, क्योंकि जितने भी रैंकर होंगे ना वो कैलसी में ये सब नहीं करेंगे। क्लियर है? देखो अगर कट ऑफ वगैरह टारगेट कर रहे हो तो कुछ भी कर सकते हो, जो मन में आए वो करो, कि कट ऑफ निकालने के लिए बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है गेट में, लेकिन रैंक निकालने के लिए ये सब चीजें जरूरी होती हैं। क्लियर है? यस। अब पहले ये तो ये ऐसे ही क्वेश्चन कराता रहूं क्या? नो सर। नो सर। तो ये तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, मैं बता दे रहा हूं। यस सर। वो क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसे ही। क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है। सबसे पहले चल रहा है ना आंखें माइंड सब कुछ? यस सर। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि चेन ऑफ अगर n मैट्रिसेस हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने के तरीके कितने हैं, उनको मल्टीप्लाई करने के तरीके कितने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला नंबर ऑफ मैट्रिसेस, नंबर ऑफ बेस फॉर मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले तो इधर पे ये लिख लेना, एक नोट लिख लेना इसके पहले, नोट इन मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लीकेशन, इन मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लीकेशन अवर टारगेट इज नॉट finding the resultant matrix. Our target is not finding the resultant matrix. Our target is finding the optimal way of multiplying chain of n matrices. In matrix chain multiplication, our target is not finding the resultant matrix. Our target is to find the optimal way of multiplying the chain of n matrices. Because matrix multiplication is associative in nature. Matrix multiplication is associative in nature. So, matrix chain multiplication MCM. So MCM is optimal way of arranging the parentheses. So matrix chain multiplication is optimal way of arranging the parenthesis. Clear? Yes, sir.
विदाउट नो सर चलो सुनो जल्दी से तो सबसे पहले तो एक अच्छा क्वेश्चन रेज करता हूं कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि फोर मैट्रिसेस हैं उनको मल्टीप्लाई करने के कितने पॉसिबल वेज होंगे ठीक है तो देखो जैसे नंबर ऑफ मैट्रिसेस अगर मैंने आपसे बोला कि एक मैट्रिक्स है मैंने आपसे बोला एन मैट्रिक्स क्वेश्चन लिख लीजिएगा पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा इसके पहले इन हाउ मेनी वेज कैन यू मल्टीप्लाई chain of n matrices in how many ways can you multiply chain of n matrices likha yes sir chalo ab dhyan se dekhna ki maine aapse bola abhi tak jo maine previous kiya tha wo sab notebook mein hai aapki yes sir chalo dekho jaise अगर एक मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ वेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है एक ही है कोई मल्टीप्लिकेशन कोई तरीका नहीं वही एज इट इज यस सर क्लियर है ना एक मैट्रिक्स है लेट सपोज ए तो एक ही तरीका है लेट सपोज मैंने आपसे बोला दो मैट्रिसेस है ए बी तो कितने तरीके हैं टू वे सॉरी एक वे एक ही तो तरीका है ए बी को मल्टीप्लाई क्या यस सर यस सर नाउ मैंने आपसे बोला ऐसे लिख रहा हूं कंफ्यूज मत हो जाना एक ही तरीका है ए बी Now, मैंने आपसे बोला तीन मैट्रिसेस हैं ए बी सी हाँ कितने वेज टू टू क्या ए बी और को लग किया बी सी ए बी इनटू सी ए बी को लग किया सी क्लियर यस सर सिमिलरली मैंने आपसे बोला अगर फोर मैट्रिसेस हैं ए बी सी डी तो कितने वेज थ्री या था फाइव वो देखो शर्म नहीं आ रही ए को अलग किया बी सी डी ए बी को अलग किया सी डी को अलग किया ए बी सी को अलग किया डी किया अब देखो ध्यान से ये अपने आप में दो वे हैं क्या देखो ध्यान से बी को अलग किया सी डी बी सी को अलग किया डी अरे समझ में आ रहा है फाइनली ए के साथ मर्ज कर दोगे यस सर ये अपने आप में दो हैं ए को अलग किया बी सी ए बी को अलग किया सी यस सर आई नीड आई समझ में यस सर आ रहा है तो इन हाउ मेनी वेज कैन यू मल्टीप्लाई चेन ऑफ n मैट्रिसेस एक ये लिख लो एक ये क्वेश्चन लिखिए इन हाउ मेनी वेज कैन यू मल्टीप्लाई चेन ऑफ 10 मैट्रिसेस टू मल्टीप्लाई चेन ऑफ 10 मैट्रिसेस आंसर लिखो zoom पे रिलेशन के फॉर्म में आंसर लिखना वैल्यू के फॉर्म में मत देना मुझे आंसर यस सर और किसी का हो जाए तो रेकरेंस रिलेशन लिखना
हुआ कर रहे हैं करो माइंड का यूज करो नहीं भूपेन ये कैसे कर रहे हो गलत है भूपेन सर कुछ गड़बड़ हो गया सर अभी देख रहा हूँ सर एक मिनट नहीं रौनक बहुत बड़ा पाप है ये तो अरे रौनक देख लो आपका तो ये इसी में फॉलो नहीं कर रहा है आप क्या कह रहे हो वन प्लस नंबर ऑफ वे टू मल्टीप्लाई एन माइनस वन तो फोर मैट्रिसेस के लिए कितना होना चाहिए था वन प्लस जितना थ्री के लिए हो तो तब तो थ्री होना चाहिए था देखो इधर फाइव हो रहा है जी सर आ गया सर चलिए एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ जल्दी करिए हुआ
हुआ बेटा माइक बंद कर लो रे रौनक आपके बैकग्राउंड में आवाजें आ रही हैं नहीं भूपेंद्र पाप है वो बहुत बड़ा पाप है चलो मैं बताऊं शर्म के लिए तैयार यस सर बता दो जब आपकी क्लास 2 से 4 हुई फिर 4 से 4:30 हुई तो मैंने ग्रुप पे एक मैसेज डाला था क्या डाला था बीएसटी का रिवीजन लेकिन किसी ने नहीं किया क्यों बोलो जल्दी यस सर मैंने कितनी बार बोला है मैं जो कुछ भी बोलता हूँ उसके पीछे लॉजिक होता है देखो ध्यान से 1 के लिए 1, 2 के लिए 1, 3, 3 किसमें कन्वर्ट हुआ ये 3 किसमें कन्वर्ट हुआ 1 के लिए 1, 2 के लिए 1, 1 into 1, 1, 2 के लिए 1, 1 के लिए 1, 1 into 1, 1 इधर दिस और दिस तो 1+1 2 आया कि नहीं आया बोलो यस सर देखो ध्यान से 1 के लिए 1, 3 के लिए 2, 1 into 2, 2, 1, 2 के लिए 1, 2 के लिए 1, 1 into 1, 1, 3 के लिए 2, 1 के लिए 1, 2 into 1, 2 तो 2+1+2, 5 आया कि नहीं आया यस सर ये सब नंबर आया है यस सर अगर मैं बोलता 5 मैट्रिसेस हैं ए बी सी डी ई ठीक है देखो ध्यान से 1 के लिए 1, 4 के लिए 5, 1 into 5, 5 plus 2 के लिए 1, 3 के लिए 2, 1 into 2, 2 plus 3 के लिए 2, 2 के लिए 1, 2 into 1, 2 plus 4 के लिए 5, 1 के लिए 1, 5 into 1, 5 overall 14 आया कि नहीं आया yes, sir. अरे कुछ समझ में आ रहा है हेलो हेलो यस सर और सुनिए ध्यान से ये फॉर्मेट कुछ समझ में आ रहा है 1, 2, 5, 14, 42 ये कुछ याद आ रहा है कैटलन नंबर तो कह सकता हूँ नंबर ऑफ वेज टू मल्टीप्लाई चेन ऑफ एन मैट्रिसेस क्या होंगे 2nCn/n+1 होंगे कि नहीं होंगे यस सर बोलो जल्दी से यस सर यस सर पाप शर्म नहीं आ रही कैटलन नंबर होंगे देखो ध्यान से 2 नोड के लिए बीएसटी हमारे 2 आते थे yes, जो बोल दो वही भाई हाँ सर यस सर यस सर यस सर 3 के लिए 5 आते थे जबकि यहां पे देखो 2 के लिए 1 आ रहा है 3 के लिए 2 आ रहा है वहां पे 4 के लिए 14 आते थे जबकि यहां पे 4 के लिए तो 5 आ रहे हैं वहां पे 5 के लिए 42 आते थे जबकि यहां पे तो 5 के लिए 14 आ रहे हैं समझ अभी भी नहीं आ रहे हैं हेलो देखो ध्यान से अगर मैं ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करता तो देखो ध्यान से 2 के लिए 1 ही तरीका है 3 के लिए 2 तरीके 4 के लिए 5 तरीके 5 के लिए 14 6 के लिए 42 क्लियर है यस सर ये क्या लिखा माधवी कैटलन नंबर 1/n 2nCn बड़ा पाप माधवी बोला कि आपको 10 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो n में 10 की जगह आप क्या रखोगे 9 यानी कि 2 into 9 c 9/9+1 लिख लेना फॉर 10 मैट्रिसेस पुट n इक्वल टू 9 For 10 matrices, put n equals n minus 1. For n matrices, put n equals n minus 1.
लिखा? यस सर। क्लियर? अब ये कोरमैन में नहीं मिलने वाला है जो अभी आपको बताया ना गूगल पे, ये क्लियर है? यस सर, आ गया सर। कोई डाउट किसी को? जल्दी बोलो। नो सर। नहीं नहीं। हाँ तो मुझे ये डाउट आया, इधर पे माइनस वन हो क्यों रहा है? मत पूछो आप डाउट, बताओ इधर पे माइनस वन क्यों हो रहा है? अरे बोलो, आपको डाउट नहीं आया, ऑब्वियसली आपको पता है, जल्दी से बताओ माइनस वन क्यों हो रहा है? हेलो, क्योंकि सर ये जो भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। अरे ये करके बोलो। हेलो, अरे जल्दी बोलो इधर माइनस वन क्यों हो रहा है? ये क्या कर रहे हो, अभी दो दो बोल रहे थे, कोई एक भी नहीं बोल रहा है। तो सर जब हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 into 3, तो कुछ भी करेंगे जो, तो उसके एक एंड पे एक नंबर आएगा, बाकियों में मतलब 10 तो आ ही नहीं सकता, एक नंबर तो क्योंकि फैक्टर के हिसाब से पहले ले लिया जाता है, तो इसलिए माइनस वन। और वन इंटू कोई भी नंबर करेंगे तो वो तो सर जब अपन नंबर ऑफ पीएसटी निकाल देते तो अपन ग्रैंड लेवल जाता था, मतलब दो नोट्स रहते थे सर, तो अपन को पता नहीं रहता था ना सर, दो लेवल ए, मतलब ऑर्डर भी चेंज कर सकते थे, ऑर्डर चेंज कर सकते थे, यहाँ ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते ना सर, ए बी का बी सी से नहीं कर सकते ना, तो माइनस वन का इससे क्या लेना देना? तो सर अगर दो नोट दिए तो दो आते थे, लेकिन अगर दो मैट्रिक्स दिए तो अगर तीन दिए तो उसको भी तोड़ दो और वन में तोड़ो या वन और टू में तोड़ो। क्या कर रहे हो, सुनो ध्यान से। सर इसमें स्प्लिट, यस, इसमें जो स्प्लिटिंग होगी वो जितने भी उसमें एलिमेंट होगा उसमें एक कम होगी। अरे वही पूछ रहा हूँ, वो ऐसी क्यों होगी? एक साइड जीरो नहीं हो सकता। वेरी गुड, एक साइड जीरो नहीं हो सकता। वो रौनक कुछ भी बोले जा रहे हो कि ऑर्डरिंग चेंज नहीं होगी। सुनो ध्यान से, ट्री की रूट वन होती है, जबकि यहाँ पे कोई ट्री थोड़ी ना बन रहा है, यहाँ पे तो जो रूट है वो तो हमारी मेन प्रॉब्लम है। यस सर। माधवी देखो, जो बोला होता है ना उसमें पीछे प्रमाइस ये नहीं लगानी होती, भावनाओं को समझो। जब तक आप ये करेक्टली नहीं बोलोगे, ऑब्वियस सी बात है, इंटरव्यू में जिस तरीके से बोल रहे हो उस तरीके से किसी को डिसाइफर नहीं होगा। आपको ये बोलना चाहिए इसकी परफेक्ट रीजनिंग क्या है, कि नंबर ऑफ बीएसटी की जब आप बात करते हो तो ट्री की रूट आती है एक, जबकि यहाँ पे जो हमारी रूट है वो तुम्हारी मेन प्रॉब्लम होती है, उसका तो नंबर ऑफ बेस से कोई लेना ही देना नहीं होता है। अरे देखो, जो आप पहले ये बताओ, ये रब कर दो जो कुछ भी है इस बोर्ड पे। yes, देखो जानते, जब आप प्रीवियसली जब आप बाइनरी बीएसटी बनाते थे तो ट्री पे रूट हमारी आती थी, रूट एक एलिमेंट आता था, जबकि यहाँ पे देखो ध्यान से, रूट हमारा यही आता है ए बी सी डी, रूट हमारा यही होता है ए बी सी डी, जो तो हमारी मेन प्रॉब्लम है। yes, समझ में आ रहा है? तो केवल आपको चाइल्ड काउंट करने होते हैं। yes, 1 2 3 4 5, जबकि उधर पे जो रूट होता है वो भी प्रॉब्लम का ही पार्ट होता है। Yes, sir, yes, sir. समझ में आ रहा है? और एक रूट होता है इसलिए माइनस वन होता है। yes, sir. अब देखो ध्यान से, इसलिए इधर पे क्या आया, माइनस वन आया, तो जल्दी से बताओ जरा इसकी रेकरेंस रिलेशन। मैंने आपसे क्या बोल दिया कि टीएन क्या है, लिखिए टीएन, लिखिए लेट टीएन इक्वल्स टोटल नंबर ऑफ वेज टू मल्टीप्लाई चेन ऑफ एन मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ वेज टू मल्टीप्लाई चेन ऑफ एन मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ वेज टू मल्टीप्लाई चेन ऑफ एन मैट्रिसेस। बताइए, बोलो।
टोटल नंबर ऑफ वेज टू मल्टीप्लाई चेन ऑफ एन मैट्रिसेस, बताओ। चलो देखो ध्यान से, मैं ही बता दे रहा हूँ क्योंकि आप बीएसटी खा ही चुके हो। हम परमानेंट समेशन ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बोलो। यस सर। लेफ्ट साइड प्रॉब्लम राइट साइड प्रॉब्लम, मतलब टी लेफ्ट साइड टी राइट साइड। देखिए ध्यान से, आई की वैल्यू इधर पे मैंने कर दिया टी ऑफ आई, तो देखिए ध्यान से इधर पे क्या होगा हमारा, जल्दी से बताओ जरा। अरे एन माइनस आई कह सकता हूँ, उधर पे क्या होता था एन माइनस आई माइनस वन, क्योंकि एक रूट हट जाता था, यहाँ पे कोई रूट नहीं हटेगा। समझ में आ रहा है ना, जैसे आपने एबीसीडी बोला तो इसका वन ऑफ दी पॉसिबिलिटी क्या है, ए को अलग किया बीसीडी को अलग किया, यानी यहाँ पे साइज वन है यहाँ पे साइज थ्री है, साइज तो हमेशा समेशन फोर ही रहेगा इधर पे। यस सर। और सुनिए ध्यान से, मिनिमम साइज जो भी होगा वो हमारा वन होगा, तो कह सकते हो आई की वैल्यू कहाँ से, वन से लेके कहाँ तक, एन माइनस वन तक, वन तक। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। अब आप जैसे उधर पे घुमा घुमा के लिखा था, इधर पे भी घुमा घुमा के लिखते रह लिख सकते हो कि आई की वैल्यू 5 से ले ली, माइनस 5 से ले ली, x से ले ली, एंड सो ऑन। अरे क्लियर है ये? यस सर। यस सर। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि फिर आप रेकरेंस रिलेशन लिख पाओ मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन की। अभी तो हमने रेकरेंस रिलेशन किसकी लिखी है कि नंबर ऑफ वेज टू मल्टीप्लाई चेन ऑफ एन मैट्रिसेस। यस सर। लिखिए, लेट एमसीएम, बेटा ये बैकग्राउंड में जिसकी भी गाना बज रहा है बंद कर लो माइक अपना। लिखिए, लेट एमसीएम आई कॉमा जे इक्वल्स मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस रिक्वायर्ड लेट एमसीएम आई कॉमा जे इक्वल्स मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई आई टू जे मैट्रिसेस, टू मल्टीप्लाई आई टू जे मैट्रिसेस, मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई आई टू जे मैट्रिसेस। Then recurrence relation, then recurrence relation. Now इतना लिखा? Yes sir. चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले MCM 1 से 4 के लिए दिखाता हूं ताकि आप recurrence relation लिखना सीख जाओ, ठीक है? कोई भी example पकड़ लो, जो हमने example किए हैं ना उनमें से कोई भी example देखना, ठीक है? 1 से 4, जैसे कि for example मैंने बोला ABCD, तो 1 से लेके 4 मैट्रिसेस हैं कि नहीं? यस सर। तो देखो ध्यान से हम करते क्या थे, एमसीएम ध्यान से देखना, हम यही करते थे कि नहीं, 1 से 1 एमसीएम, 2 से 4 मतलब ए को अलग कर दिया और बीसीडी को अलग किया। यस सर। ठीक है, तो 1 से 1 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेज टू मल्टीप्लाई 1 टू 1 मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेज टू मल्टीप्लाई बी से लेके डी तक मैट्रिसेस प्लस नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई दीस टू मैट्रिसेस और नॉट। यस सर। क्लियर है? यस सर। Now similarly MCM 1 से 2 MCM 3 से 4 plus इन दोनों matrices को multiply करने में multiplication, ये हो गया AB, ये हो गया CD, अब इन दोनों को multiply करने में, similarly MCM 1 से 3 MCM 4 से 4 plus multiplication इन दोनों को multiply करने में। Yes. Hello? जो भी आता है उसका overall का minimum लेते थे कि नहीं? Yes sir. Yes sir. तो अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे बोलता हूं MCM I, J, MCM I, J का मतलब क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई चेन ऑफ I टू J मैट्रिसेस, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले जीरो कब, इफ I इक्वल टू J, MCM 1 से 1 हो, 2 से 2 हो, एंड सो ऑन। यस। क्लियर है? नाउ अब फिर नहीं तो मिनिमम ऑफ जितनी भी पॉसिबिलिटी खुलेंगी उसका मिनिमम। Yes, अरे डमी वेरिएबल का यूज हो रहा है इसलिए खुद से ही लिख रहा हूँ। देखो ध्यान से, तो मैंने क्या किया, MCM कहां से कहां तक, MCM कोई डमी वेरिएबल ले लिया मैंने, क्यों, ये कहां से कहां तक जाएगा, आई से आई जाएगा, आई से आई प्लस वन जाएगा, आई प्लस टू जाएगा, एंड सो ऑन जाएगा कि नहीं जाएगा। Yes. क्लियर हो रहा है? तो मैंने बोला क्या, MCM आई से के प्लस MCM, ध्यान से देखना, ये जो भी होता था प्लस वन इधर से स्टार्टिंग होती थी, मतलब MCM K plus one से जी होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. प्लस कह सकता हूँ प्लस, अब ये इंग्लिश में लिखना, लिखवा दूंगा ये, इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस। यस सर। नाउ
अब सुनिए ध्यान से, अब हमने k डमी वेरिएबल लिया है तो k क्या होगा वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो k क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू i बट शुड बी लेस देन j। यस क्लियर है? यस सर। जल्दी से पहले इतना लिखवा रहा हूँ ब्रैकेट में क्या आएगा। हाँ बोलिए। अरे सर के आगे भी तो बढ़ जाया करो, ये तकिया कलाम बना रखा है कि सर 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 आया टीजर उसको जो भी पूछ। अरे बोलो किसने सर बोला, उसके आगे तो बढ़ो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मान गया मैं, मतलब कोई सुन ले थोड़ी देर में बोलना, हर थोड़ी देर में बोलना है सर क्या हुआ, कुछ नहीं सर ऐसे ही मन किया सर बोलने का। लिख लिया? यस सर। लिख रहे हैं सर। लिखो 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 जल्दी लिखो। या यस सर। यस सर। इधर पे ब्रैकेट में ये जो लिखा है फिल इन द ब्लैंक, इसमें लिखिएगा नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई दीस टू मैट्रिसेस। नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई दीस टू मैट्रिसेस, रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई दीस टू मैट्रिसेस। सर दोबारा एक बार रिपीट करें सोच। नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस required to multiply these two matrices. हो गया? Yes, sir. Done, sir. अब सुनिए ध्यान से, तो ये तो मैंने सिंपल वे में बोल दिया। अब देखो ध्यान से, ऑब्वियस ही बात है मुझे नहीं चाहिए कि इधर पे इंग्लिश में कोई स्टेटमेंट लिखाओ, मतलब रेकरेंस रिलेशन है तो सब कुछ मैथमेटिकली लिखाओ। तो उसके लिए मैंने क्या बोल दिया कि देखो ध्यान से, ये हमारी फोर मैट्रिसेस हैं, 1-4 मैट्रिसेस। मैंने बोल दिया कि इनके ऑर्डर क्या थे, पी नॉट क्रॉस पी वन, पी वन क्रॉस पी टू, पी टू क्रॉस पी थ्री, पी थ्री क्रॉस पी फोर। क्लियर है? yes, sir. तो अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो इधर पे मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई दीस टू मैट्रिसेस। तो ध्यान से सुनिएगा, ये मैट्रिक्स क्या है, P0 क्रॉस P1। जब ये तीनों मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनका ऑर्डर हमारा क्या बन जाएगा, P1 क्रॉस P4। यस सर। इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, P0 क्रॉस P2। इनका ऑर्डर P2 क्रॉस P4 में आ रहा है। यस सर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में अगर मैं पहली की बात करूं तो कितने मल्टीप्लिकेशन, जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, P0 क्रॉस P4, और मल्टीप्लाई करने में कितने मल्टीप्लिकेशन, P1। यस। ओवरऑल दिस, इसकी बात करूं तो ऑर्डर तो P0 क्रॉस P4 ही बनेगा हर एक में। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में कितने मल्टीप्लिकेशन, P2। इन दोनों को P3। यस सर। सिमिलरली अगर मैं इधर पे बात करूं तो इधर पे बात करूं तो इधर पे क्या होगा, इधर पे मैं क्या करूंगा, पी आई माइनस वन इंटू पी के, और ये क्या होगा, पी के इंटू पी जे, पी जे। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, पी आई माइनस वन क्रॉस पी जे, पी जे करने में कितने मल्टीप्लिकेशन, पी के, पी के। लिख लो जल्दी से।
डन यस सर चलो तो ये तो हो गई हमारी रेकरेंस रिलेशन. अब मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूँ. तो देखिए जैसे पहले तो ऑब्वियसली विदाउट डीपी समझो, विद डीपी फिर बाद में, क्योंकि रेकरेंस रिलेशन जब हमने ट्री बनाया था तो उधर में फंक्शन कॉल हमारी रिपीट हो रही थी कि नहीं हो रही थी. हेलो यस सर यस सर जाएंगे डीपी पे जाएंगे और ऑब्वियसली बात है डायनेमिक प्रोग्रामिंग चल रही है तो मतलब हर जो प्रॉब्लम है वो डीपी के ही एप्लीकेशन है. क्लियर ना? यस सर. विदाउट डीपी जल्दी से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझिए, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, विदाउट डीपी मैं बोल रहा हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी जो कुछ भी होगी एक्सपोनेंशियल होगी. कैसे होगी अब ध्यान से सुनना. सुनो ध्यान से, जैसे कि सपोज मैंने आपसे बोला कि जो भी हमारा रिकर्सिव ट्री बनेगा वो कह सकता हूँ हमारा एन लेवल का ट्री होगा. ध्यान से जल्दी से पहले एक ट्री खोल के देखो, जरा एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से एक ट्री खोल के अच्छे से देखो. कोई भी क्वेश्चन का ट्री खोल के अच्छे से देखो पहले. डन? यस. चलो अब ध्यान से देखो जरा. अगर मैंने बोला आपसे मैट्रिक्स हमारी चार मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान से देखिए जो हमारी सेकंड लेवल आ रही है उस पर तीन चल रहा है कि नहीं? ठीक है. अगर पांच मैट्रिसेस हैं तो सेकंड लेवल पे हमारे चार चिल्ड्रन है कि नहीं? अब ध्यान सुनिएगा, अब ध्यान सुनिएगा, मैं अपर बाउंड की बात कर रहा हूं, अपर बाउंड की बात करता हूं, मैं अपर बाउंड की बात करता हूं कि ध्यान से सुनिएगा कि मैंने बोला टॉप लेवल तो हमारी मेन प्रॉब्लम है, मतलब एक ही रूट है. समझ में आ रहा है ना? अरे जैसे कि मैंने आपसे बोला कि सपोज 10 मैट्रिसेस हैं टॉप लेवल ए बी सी डी एंड सो ऑन जी, ठीक है. तो इसके चाइल्ड की अगर मैं बात करूं सेकंड लेवल पे हमारे 9 चिल्ड्रन होंगे कि नहीं? यस सर. अब जो ये होगा इसके अपने आप में 8 होंगे कि नहीं? यस सर. अब ऑब्वियस सी बात है जब आप इन बिटवीन में जाओगे तो उनके 8 नहीं होंगे, कम हो जाएंगे. समझ में आ रहा है ना क्यों? अरे जैसे ए बी सी डी आपने किया था तो इसके तो 3 चिल्ड्रन, ए अलग किया बी सी डी, ए बी अलग किया ए बी, ए बी सी डी के तो नहीं हुए चाइल्ड, लेकिन इसके ये फिर से ब्रेक होगा बी सी डी. यस सर. ठीक है, लेकिन मैं अपर बाउंड की बात करूंगा, ठीक है ना? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल हमारी एन फैक्टोरियल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? अरे एन काफी कम रहेंगी लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली एन फैक्टोरियल क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन पावर है. विदाउट डीपी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कुछ भी होगी नहीं पता लेकिन होगी एक्सपोनेंशियल. तो एक लाइन जल्दी से लिख लीजिए, विदाउट डीपी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी एक्सपोनेंशियल because number of function calls are exponential. Time complexity without DP, time complexity will be exponential because number of function calls are exponential. Because number of function calls are exponential. देखा? Yes sir. फिर heading डालिए with DP. लिखिए, इन द अबव रिकर्सिव ट्री मैनी फंक्शन कॉल्स आर रिपीटिंग सो वी विल गो टू डीपी विच विल सॉल्व ओनली डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स. So we will go to DP which will solve only distinct function calls. Distinct function calls.
नाउ लिखिए क्वेश्चन. इन एमसीएम, इन एमसीएम 1, n हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स आर देयर. इन एमसीएम m, n 1, n हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स आर. In MCM 1, n, how many distinct function calls are there? देखा? Yes sir. चलो देखो ध्यान से. तो MCM for example मैं 1 से 4 के लिए दिखाता हूँ. MCM 1, 4 में हमारी कितनी, हमने अभी जो compute किया, हमारी कितनी distinct function calls आ रही थी, ठीक है ना? Hello. चलो देखो ध्यान से. MCM 1, 4 में कितनी distinct function calls आ रही थी? 1 से 1 हो रहा था, तो 2 से 4 हो रहा था. 1 से 2 हो रहा था, तो 3 से 4 हो रहा था. 1 से 3 हो रहा था, तो 4 से 4 हो रहा था. ऐसी ब्रेकिंग हो रही थी. Yes sir. Now, अब 2 से 4, 2 से 2 होता था, तो 3 से 4. Now, 2 से 3, तो 4 से 4. Similarly, 3 से 3, तो 4 से 4. ध्यान से देखो, यही सारी हमारी distinct function call है, कि 1, 2, 4, ये भी तो हमारी function call है. Yes sir. कोई doubt? Yes sir. कह सकता हूं अगर मैं MCM की बात करूं, देखो ध्यान से, MCM की अगर मैं बात करूं तो देखो ध्यान से, कितनी डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल है? 1 to 1 है, 1 to 2 है, 1 to 3 है, 1 to 4 है, 2 to 2 है, 2 to 3 है, 2 to 4 है, 3 to 3 है, 3 to 4 है, 4 to 4 है. क्या ये है? क्या 2 से 1 कोई फंक्शन कॉल है इसमें? नो सर. ऑर्डर रिवर्स करना तो पॉसिबल ही नहीं है. समझ में आ रहा है ना? yes, तो कह सकता हूँ 4 के लिए 1 plus 2 plus 3 plus 4, n के लिए बोलो 1 plus 2 plus 3 and so on n. yes, yes sir. नेचुरल नंबर which is order yes, sir. of n square. तो डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल कितनी है हमारी? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. पहले तो इतना लिखो. समझ में आ रहा है? yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. No. तो अब सुनिए ना, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल हमारी कितनी आई बोलो? अरे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर क्या कर रहे हो? हद हो गई, ये भी नहीं बोले. हेलो. यस सर. नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल हमारी कितनी आई? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. तो अब मैंने आपसे बोला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, जल्दी से लिखो. नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स इनटू फंक्शन कॉल कॉस्ट. Number of distinct function calls, DP में time complexity क्या होती है हमारी? Number of distinct function calls into function call cost. Yes sir. चलो, तो देखो रे दाम से ये. तो distinct function call call तो हमारी n square है. Now cost बताइए क्या होगी? Mind का use करो. शर्माई देखो, मैं ही बताऊं. देखो ध्यान से, n स्क्वायर प्लस n क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. थैंक यू. जो ग्रेटर वो आंसर. यस सर. ध्यान से सुनिएगा, टॉप लेवल की फंक्शन कॉल की कॉस्ट क्या होगी? फॉर एग्जांपल अगर आप निकालते थे MCM 1 से 4, MCM 1 से 4, तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पे राइट हैंड साइड आपकी तीन तीन फंक्शन कॉल होती कि नहीं होती थी? Yes, sir. MCM 1 से 1, 2 से 4, समझ में आ रहा है? हर एक में तीन तीन बार एडिशन होते थे, एक एडिशन ये, एक एडिशन ये. अरे तीन रो आती थी. Yes, sir. Yes, sir. 4 के लिए तीन रो, n के लिए n माइनस 1 रो. Yes, sir. Yes, sir. N माइनस 1 टाइम्स ये एडिशन, n माइनस 1 टाइम्स ये एडिशन, जो भी आता है उनमें से मिनिमम निकाला सिलेक्शन सॉर्ट का एक पास n माइनस 1 एलिमेंट के लिए, यानी कि n टाइम. Yes, sir.
यस सर यानी कि n होगी फंक्शन कॉल कॉस्ट यस सर कोई डाउट नो सर तो लिखिए ऑर्डर ऑफ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी ऑर्डर ऑफ n क्यूब यस सर लिखो जल्दी से सर ये दोबारा बता दीजिएगा फंक्शन कॉल कॉस्ट क्या होगी ध्यान से देखो n square plus n cube time complexity n cube तो जो greater वो answer तो हम उस function call की cost लेंगे जो जिसकी cost maximum है वो किसकी है top level की cost top level की cost अगर हमारी 4 यहाँ पे matrices थी तो जब आप top level लिखते थे MCM 1 से 1 2 से 4 1 से 2 3 से 4 1 से 3 4 से 4 तो ध्यान से देखो यहाँ पे 3 row आती थी कि नहीं आती थी हेलो yes, तो अगर MCM 1 से n होगा तो यहाँ पे n row आएंगी कि नहीं आएंगी n minus 1 row आएंगी कि नहीं आएंगी Yes. तो माइनस वन तो कांस्टेंट है वैसे ही हटा दिया तो मैंने बोला एन रो है यानी एन टाइम्स ये एडिशन है एन टाइम्स ये एडिशन है एन एक एडिशन कांस्टेंट टाइम एन टाइम्स एन इनटू कांस्टेंट यानी कि इसके लिए एन ओवरऑल का मिनिमम निकाला यानी कि उसके लिए भी एन तो एन प्लस एन प्लस एन थ्री एन विच इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ एन यस यस सर आगे फंक्शन कॉल कॉस्ट कितनी है हमारी एन नाउ तो विद डीपी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई हमारी order of n cube जो कि हमारी exponential हो रही थी without dp now space complexity input plus extra input कितना 2n by 8 ध्यान से देखो input केवल order है matrices के given hello yes sir कह सकता हूँ 2n नहीं 4n by 8 order ऐसे ही given है 2 cross 3 अरे एक मैट्रिक्स का 4 बाइट n मैट्रिक्स का 4n बाइट हेलो यस सर यस सर अरे जो कुछ भी है तो ये 4 2 हो 4 है तो कांस्टेंट मतलब n ही तो है एक्स्ट्रा क्या स्टैक प्लस टेबल टेबल नंबर ऑफ लेवल्स टेबल डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स नंबर ऑफ लेवल्स कितनी हमारी n n लेवल का ट्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है Yes, sir. Table number of distinct functional calls n square. So n square. N square. Plus n, which is nothing but order of n square. Yes, sir. लिख लो. Clear? Yes. Yes, sir. तो ये होगा हो गया आपका MCM completely complete as well as algorithm completely complete with respect to your college clear yes sir. yes sir पूछ लो जल्दी से कोई भी doubt है पूछो पूछो हेलो सर ये जो सर ये जो हमने एमसीएम में सर जो रिकरेंस रिलेशन लिखी थी सर उसमें वो तो आई इज लेस देन जे के लिए ही थी ना मतलब अगर फर्स्ट वाला जैसे 1 4 लिया था आई तो लेस देन जे हो गई होगा एक चीज बताओ जरा एमसीएम ये होगा क्या कि चेन ऑफ 3 टू 2 मैट्रिसेस उल्टे उल्टे ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना नहीं नहीं ऐसा भी तो कभी कभी आ सकता है हेलो No, शर्म नहीं आ रही आई तो हमेशा ही लेस देन जे होगा कह सकता हूँ आई रियलिटी में लेस देन इक्वल टू जे कह सकते हो आप क्या कि आई इक्वल टू जे भी हो सकता है कि एमसीएम 1 से 1 जो मैंने टर्मिनेशन कंडीशन में लिखवाया है यस सर और पूछो डाउट डाउट पूछते ही शर्म के लिए तैयार हो जाया करो है कोई डाउट कैसी बात कर दी सर हमने फर्स्ट क्लास में कोई डाउट पूछे थे जो हम लास्ट में पूछेंगे अच्छा मुझे जल्दी से ये बता दो एल्गोरिथम में टफ क्या था मैं इसलिए थैंक यू ही बोलूंगा बोलो कुछ नहीं था सर फिर भी फालतू में बोलते रहते हो एल्गोरिथम टफ सब्जेक्ट है सर आपने पढ़ाया थोड़ा अरे मैंने सलमान खान भी हेल्प कर रहा है बेसिक हेल्प कर रहे हैं इतने लोग हेल्प कर रहे हैं यस सर इसलिए इजी हो गया सर
तो एन आईडी कैन चेंज योर लाइफ, जो पढ़ो हर जगह इंप्लीमेंट करो। देखो ध्यान से कितनी बार मैंने बताया, देखो ध्यान से वो गाना आया गंदी बात, उसके उसका भी लॉजिकल फायदा था, सलमान खान मूवी में क्या करता है उसका भी फायदा है। अरे हंसने वाली बात क्या, मेरी मर्जी, उसका भी कितना बड़ा फायदा है। तो ये सब चीजें है कि ये सब चीजें आपकी हेल्प करने के लिए है। तो बस एसेंस पे आओ, मोरल पे आओ कि अगर आप पॉजिटिव हो ना तो हर चीज से आप फायदे उठा सकते हो, और अगर आप नेगेटिव हो तो कितनी भी अच्छी चीजें हो जाए आपका माइंड हमेशा नेगेटिव वर्क, नेगेटिव सेंस में ही वर्क करेगा। सबसे पहले अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो जाओ। पॉजिटिविटी इतनी इतनी कूट कूट के अपने अंदर भर लो कि नेगेटिविटी देख के डर के भाग जाए। यस सर। ठीक है, तो चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करते रहना। गेट का पेपर देखो ध्यान से, आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो बहुत अच्छे से सिंसियर हैं। आज नहीं तो कल कोशिश करना जितनी जल्दी हो सके किसी ना किसी अच्छी कोचिंग को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कॉलेज के दम पे इस भूल में मत रहना। देखो ध्यान से, ऑब्वियसली बात, अगर आपकी इन क्लासेस के दम पे अगर आपकी रैंक अंडर 1000 या अंडर 2000 भी आ जाती है ना, तो आपने अपने साथ बहुत गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया? अगर इन क्लासेस के दम पे आपकी रैंक अंडर 1000 या 2000 आ जाती है तो ऑब्वियसली बात है आप किसी अच्छे ट्रेनर के अंदर ट्रेन करते हैं तो आपकी रैंक 100% है, मिनिमम लेस देन 500 तो जाती जाती, हो सकता है अंडर 100 भी चली जाती। जैसे कोई स्टूडेंट मुझसे बोलता है कि सर 3 महीने बचे हैं मुझे अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो क्या मैं 50 मार्क्स लेके आ सकता हूँ, तो मैं उससे बोलता हूँ कि हाँ, अगर आपके अंदर आपने ठान ही लिया है कि नहीं बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, वो 50 मार्क्स लेके आ सकता है। लेकिन मैं उसी समय साइमल्टेनियसली उसे रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके 50 मार्क्स आ गए तो भूल के भी एडमिशन मत लेना। कि अगर आप 3 मंथ्स में 50 मार्क्स लेके आ सकते हो, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको सही रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम मिल गया तो आप अंडर 10 भी ला सकते हो। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। चलो फिर एंजॉय करो, अच्छे से प्रिपेयर करते रहना, सिंसियरिटी अपनी लूज मत करना, ठीक है? यस सर। चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मेरा नंबर वही है, बस मुझे मतलब सर आप फ्यूचर में कब मिलेंगे सर? जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है और जिंदगी बहुत बड़ी भी है, पॉजिटिवली सोचो, जिंदगी बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, ठीक है? यस सर। चलो बस सिंसियरिटी लूज मत करना, जिस सिंसियरिटी के साथ एल्गोरिथम की क्लासेस लगाई है, बस थोड़ी सी सिंसियरिटी अपने सेल्फ स्टडी में लेके आ जाओ, ठीक है? क्योंकि क्लासेस के दम पे गेट नहीं निकलेगा, इस भूल में मत रहना कि मैंने एल्गोरिथम पढ़ा दी तो उसके दम पे निकल जाएगा। डियर मुझे खुद को आइडिया नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबली नहीं पढ़ाऊंगा। देखो डियर, मुझे आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, ऑब्वियसली बात है कि जितने भी लोग इधर इस समय इस टाइम क्लासेस लगा रहे हैं ना, ऑब्वियसली बात है कि देखो ध्यान से मैं अपने नेचुरल मूड में ही पढ़ा रहा हूँ तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन देखो ध्यान से ये सब चीजें अब लास्ट क्लास में डिस्कस मत करो, क्योंकि देखो होगा क्या कि मैं कुछ भी बोलूंगा आपको बुरा लगेगा, और मुझे पता है कि मैं आपको बुरा फील नहीं कराना चाहता, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। हाँ, कोई बात नहीं सर। ठीक है, तो अब देखो सीन क्या कि मैं खुद ही पर्सनली प्रेफर नहीं करूंगा कि आपके कॉलेज में नेक्स्ट सब्जेक्ट तो छोड़ो जिंदगी में किसी भी सब्जेक्ट में क्लास लेने का, समझ में आ रहा है? अरे सर, कैसी अरे नहीं सर, ऐसे सपोज ये आपका कॉलेज है, ठीक है, ये आपका बैच है, ठीक है ना, आप 90% स्टूडेंट में से हो जिनको मैं प्रेफर करूंगा पढ़ाने के लिए, लेकिन जो 10% इधर पे है ना, ठीक है, उनको मैं कभी भी पढ़ाना जिंदगी में प्रेफर नहीं करूंगा, ठीक है? और मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि मैं इंजीनियर सर्कल की वजह से इधर पे आया हूँ, वो कभी भी अगर उनकी किस्मत खराब होती ना तो मेरे सामने वो मेरी कोचिंग में एक बार मुझे दिखाई दे जाते, पर उन्हें दिखाई देता कि डिसिप्लिन ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, ठीक है ना? तो yes. मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि देखो ध्यान से ये मेरा पैशन है टीचिंग, मैं पढ़ाने मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अनसिंसियर है ना, मैं उसके लिए इतना ज्यादा बुरा हो जाता हूँ, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। Yes, sir. तो इसीलिए मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मैं कभी भी उस मोड पे आ पाऊं, क्योंकि वो मेरा नेचुरल मोड नहीं है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मुझे कभी भी ये भी नहीं चाहिए होता है कि जैसे एक प्रैक्टिकल सीन होता है ना कि अगर आपसे 90% ऑफ द स्टूडेंट सेटिस्फाइड एंड दैट मींस वेरी गुड, ठीक है, लेकिन मुझे वो 90% चाहिए नहीं, मुझे इवन 99% भी कभी अच्छा नहीं लगा। चलो आपको एक रियलिटी बताता हूँ,
जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो आपको पता नहीं है, आप लोग ऑब्वियसली किसी ने कभी भी कोई भी कोचिंग ज्वाइन की है, आईआईटी वगैरह कोई भी कोचिंग ज्वाइन की है? हाँ सर, यस सर। जब भी फैकल्टी पढ़ा के जाता होगा तो आपको देखा देखा जाता होगा, आपसे या तो फैकल्टी की फीडबैक पूछे जाते होंगे या फिर फीडबैक फॉर्म भरवाया जाता होगा। यस सर। मैंने जब पहला लेक्चर लिया था, पहला सब्जेक्ट लिया था, तब से मेरे अंदर ये थोड़ा सा क्रेज था कि मुझे फीडबैक फॉर्म देखने है, ठीक है। तो होता क्या था कि जिस कोचिंग में ऑब्वियसली राइट नाउ मैं जहां एचओडी हूं, तो उधर पे से ही मैंने करियर स्टार्ट किया था, तो उधर पे मेरा फीडबैक फॉर्म भरवा ही नहीं जाता क्योंकि सबको पता था मेरा फीडबैक बहुत अच्छा आता है। तो मेरा मतलब ये सीन होता नहीं, मुझे देखना ही है, एनी हाउ मुझे देखना है। तो सीन क्या हुआ, 3 साल पहले तक तो मैं ऐसा मतलब जिद पे अड़ जाता था कि नहीं मुझे देखना है, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि मुझे ये देखना होता था कि अगर एक स्टूडेंट भी ऐसा है जो सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं कम से कम उस चीज को एनहेंस करूं, ठीक है। क्योंकि जो अनसिंसियर है वो तो मैं क्लास में तुरंत फिगर आउट कर लेता हूँ, वो मेरी क्लास में वैसे ही सर्वाइव नहीं कर सकता। जो अनसिंसियर है वो पागल ही हो जाएगा कि इतनी लेंदी लेंदी क्लास कैसे करेगा कोई। तो ये 3 साल पहले तक मैं करता था, उसके बाद में मैं नहीं कर पाता हूँ। क्यों नहीं कर पा, ऐसा नहीं अभी भी करना नहीं चाहता, मैं अभी भी करना चाहता हूँ, अब मैं कर क्यों नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट मेरे साथ गेम खेलता है। वो ये बोल देता है क्लास में अनुराग सर को फीडबैक फॉर्म देखना है, तो बच्चे मेरे मजे लेने लगते हैं। अरे इस टाइप से सर, आपको शर्म नहीं आ रही है सर? यस सर। ये तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरा हमेशा से ये सीन होता था कि मुझे 99% चाहिए ही नहीं है, कि अगर मैं अपनी एनर्जी लगा रहा हूं तो मुझे उसी के अकॉर्डिंगली आउटपुट चाहिए। चलो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जितने भी आप लोग इधर पे हो, मोर देन 90% स्टूडेंट तो आपके बैच में अच्छे हैं, लेकिन ये मीनिंग समझो जरा कि ऑब्वियस सी बात है, ये तो आप भी जानते हो ना कि 100% तो छोड़ो, आपकी बैच में 95% भी वैसे नहीं है। यस सर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी पर्सन को या आप ही की मैं बात करूं, आपको एक जगह 100% सीन मिल रहा है, एक जगह 99% सीन मिल रहा है, कौन सा अडेप्ट करोगे? 100% देखा था, ये 3 बार हुआ, एक बार नहीं हुआ, ये 3 बार हुआ है। सर वो बुरी किस्मत है सर, मैं क्या बताऊं सर, सुबह कुछ नहीं है सर, सुबह इतना बढ़िया माहौल रहता है, क्या बताएं आपको। अरे अरे मैं तो कह ही रहा हूँ कि वैसा ही माहौल रखो, क्योंकि देखो ध्यान से समझो कि मेरा तो पैशन है, लेकिन जिस पर्सन का पैशन नहीं होगा, जो प्रोफेशनल होगा ना, उसके साथ अगर ये चीजें होंगी तो उसके एडवर्स इफेक्ट भी आ सकते हैं। और मुझे ये, मैं परमानेंट यही चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो भी ये पर्सन करता है, जो भी पर्सन ऐसा है, वो मतलब डबल डफर है। पहला डफर वो क्यों है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ ना, मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं फिर भी जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? जब इंसान सुबह सर क्या होता है, एकदम 7:30 बजे कोई उठता है जिसको पढ़ना होता है, ऐसे फालतू का ना कोई क्लास लेने नहीं आता सर, सबसे बड़ी बात यही है। नहीं ऑफलाइन सीएस के लिए ग्वालियर में, तो उस केस में क्या करें। अरे शिवांश देखो ध्यान से, पहले तो ऑफलाइन कोचिंग ही चलती थी, तो पहले के हिसाब से देखोगे तो ऑब्वियसली ये ड्रॉबैक था, लेकिन जब से ये कोरोना हुआ है तो आप ये समझ लो अगर ग्वालियर में आपके लिए कोई भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं है तो आपके लिए तो बेस्ट टाइम पीरियड चल रहा है। बेस्ट टाइम पीरियड क्यों चल रहा है, क्योंकि कोरोना के पहले बहुत कम कोचिंग थी जो ऑनलाइन थी, अब आप देखो जितनी भी ढंग की कोचिंग है सारी ऑनलाइन आ चुकी है। यस सर। आपके लिए बेस्ट केस हो गया कि पहले ऑनलाइन में ज्यादा वैरायटी नहीं थी, अब आपके पास सब कुछ है। सर लेकिन और जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं सर वो वैसी रहती है, 1-to-1 इंटरेक्ट भी रहती हैं, मतलब वो बोलते रहते हैं सर अपन इतना वो नहीं हो पाते इंटरेक्ट, ज्यादा जूम तो हो जाते हैं। देखो बेटा एक चीज समझो, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, सबसे पावरफुल चीज अगर आपके पास कोई है तो वो माइंड है, ठीक है। देखो ध्यान से, जितनी भी कोचिंग सेक्टर है वो सारे बिजनेसमैन ही तो है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये तो आपने डिसाइड करना है, मुझे एक चीज बताओ जरा, आप ऑब्वियसली कभी भी शर्ट लेने जाते हो, ठीक है, शर्ट तो इनफाइनाइट से, लेकिन क्या आप इनफाइनाइट शर्ट लेके आते हो? आप पिक करते हो ना आपको जो सबसे अच्छी लगती है, और जो सबसे अच्छी के साथ साथ जो आपको लगता है कि ये शर्ट वर्थ है, yes, sir. तो आपको माइंड का यूज करके फिगर आउट करना है ना कि इतनी सारी कोचिंग्स है, कोई ये तो नहीं कह रहा है कि आपको कुछ भी पता, बिना कुछ पता किए एडमिशन ले लो। देखो ध्यान से, ये तो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि अगर कोचिंग करना तो ढंग की कोचिंग से करना, फालतू कोचिंग करने से अच्छा कि कोचिंग ही मत करना, क्योंकि वो और गंदा सीन होगा। क्या बोला था मैंने कि अगर आपको कोई चीज नहीं आती है ना, वो बड़ा इशू नहीं है,
बड़ा इशू वो है कि कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि आपको आती है जबकि रियलिटी में आपको नहीं आती है, वो डेंजरस सिनेरियो है। और फालतू कोचिंग में वो फालतू का कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा और वो डेंजरस है। तो कोचिंग कौन सी सिलेक्ट करनी है, आपको अपने माइंड का यूज करना है। आप अपने माइंड का यूज करोगे सब कुछ फिगर आउट कर लोगे। अरे देखो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है फिगर आउट करने के लिए, वो तो छोटा बच्चा भी कर लेगा, आप तो इतने बड़े हो चुके तुरंत फिगर आउट कर लोगे कौन सी डंकी कोचिंग है कौन सी फालतू कोचिंग है। किसी पे भी भरोसा मत करना, बस अपने माइंड पे भरोसा करोगे कभी भी आपको डिफीट नहीं मिलेगी। किसी दूसरे पर्सन पे भरोसा कर लोगे चांस है कि आपको डिफीट मिल जाए। क्लियर है? दूसरी बात एक चीज बोलूंगा, जिस कोचिंग को भी सिलेक्ट करना किसी भी कोचिंग सेंटर के बारे में उसकी रियलिटी कौन बताता है? उसके स्टूडेंट। ये स्टूडेंट, वेरी गुड। उसके पास्ट ईयर के स्टूडेंट वो एकदम एग्जैक्ट रियलिटी बताएंगे, करंट के स्टूडेंट बता देंगे, लेकिन वो उनकी रियलिटी में कह सकता हूँ 80% या 90% होगी, 100% नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ऐसे स्टूडेंट से पूछा जिसको अराउंड 1 month ही हुआ है कोचिंग ज्वाइन हुए, ठीक है, तो आप स्टूडेंट से पूछो, उनसे आपको एग्जैक्ट रियलिटी पता चल जाएगी। और ऐसा नहीं बोलूंगा कि केवल स्टूडेंट से पूछो, अपना माइंड भी यूज करना, क्योंकि ये भी तो हो सकता है जिस स्टूडेंट से पूछ रहे हो उस बेचारे के साथ पहले ही फ्रॉड हो चुका हो, उसे अभी तक पता ही ना हो। यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो फिर देखो, सबसे पहले तो देखो किसी पे डिपेंडेंट होना बंद कर दो। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट होना बंद कर दोगे ना, मैं फिर बोल रहा हूं ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका माइंड ना बताए आपको, वो सब बता देगा, बस आपको उससे क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। सर हाउ विल वी सर्च फॉर दोज ऑनेस्ट स्टूडेंट? अरे माधवी कोचिंग सेंटर के रिव्यूज पढ़ लिया करो, आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आप माइंड का यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से फेक रिव्यू है, कौन से सुनी जाते रिव्यू फेक होते हैं कि जेन्युइन होते हैं। दोनों हो सकते, दोनों होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि अगर मैं बिजनेसमैन हूं, ठीक है, मैंने कोचिंग सेंटर खोला, तो मैं क्या करूंगा, अपने नाम से, अपने फैमिली मेंबर के नाम से, अपने फ्रेंड्स के नाम से रिव्यू उठा के डाल दूंगा। yes, sir. अब बस एक कॉमन सेंस की बात है, अगर आप, मुझे पता है आप सबका माइंड चलता है, लेकिन पता नहीं अपने करियर के को लेके आप अपने आप से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हो। मुझे एक चीज बताओ जरा, सुनिए ध्यान से, आप किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेते हो, आप अपने आप को अज्यूम करना कि आप रिव्यू डाल लो, आप किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेते हो, ठीक है, अगर आप कोचिंग से खुश हो तो आप किस चीज से खुश हो, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से, वो सुंदर कितना है उससे, कि काउंसलर से, कि एडमिनिस्ट्रेशन से, कि फैकल्टी से? फैकल्टी से। ऑब्वियसली बात है, मेरे ख्याल में आप उनकी बिल्डिंग खरीद तो रहे नहीं हो जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर से इतने इंप्रेस हुए कि आपका गेट का पेपर निकल गया, या फिर काउंसलर मैम, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जिसने आपको मटेरियल टाइम पे दे दिया और आपका सिलेक्शन हो गया। yes, sir. तो ये छोटी छोटी चीजें आपको सब पता है, आपको सब पता है, बस अपने आप पे बिलीव रखो। आप एक विद इन टेन मिनट्स तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, कोई भी रिव्यू पढ़ के विद इन 2 minutes आप डिसाइफर कर दो जेन्यून है किसी भी कोचिंग का हो वो। yes, sir. फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि कोई भी एक पर्सन बोलो जिसका माइक वर्क कर रहा है, अरे कोई भी एक पर्सन बोलो, जानवी बोलो जानवी, अरे बेटा आप भी बोल सकते हो, राज की बात बताऊं क्या? शर्म नहीं सर, मुझे नहीं बोलना सर, अभी सुनो जानवी, मुझे सुनना है सर। आप कौन से मोबाइल यूज करते हो? मैं रियलमी का। अब ध्यान से सुनना, Realme का कोई मॉडल नंबर होगा, लेट सपोज उस मॉडल का नाम है X, ठीक है, अब ध्यान सुनना, रौनक सपोज Realme आपसे बोले कि आप रौनक रिव्यू प्लेस करो जो भी आपने एक्सपीरियंस किया हो मोबाइल के बारे में, ठीक है, तो मुझे ये बताओ जरा, जब आप रिव्यू प्लेस करोगे ऑब्वियस सी बात है, अगर आप खुश हो तो पॉजिटिव रिव्यू डालोगे, दुखी हो तो नेगेटिव डालोगे, ठीक है, हेलो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बताओ, अगर आप खुश हो तो आप क्या ये बोलोगे ये कंपनी बेस्ट है कि ये बोलोगे ये मॉडल बेस्ट है? मॉडल सर, ऑब्वियसली मॉडल, खत्म, सब आपको पता है। अगर आप किसी भी कोचिंग का रिव्यू देख रहे हो, इस टाइप का आपको रिव्यू मिलता है, दिस कोचिंग इज बेस्ट, अरे उसने क्या सारी ब्रांचों से तैयारी की है? ऑब्वियस सी बात है, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच की तैयारी कर रहा है, वो खुश है तो उस ब्रांच की तारीफ करेगा या पूरी कोचिंग की तारीफ करेगा? यस सर, वो उसी की बात करेगा जो कर पढ़ के आया सर। बस ये छोटी छोटी चीजें सब फिगर आउट कर लोगे।
ठीक है चलो फिर ऐसी सिंसियरिटी मेंटेन किए रहना। गेट की बर्थ में आपको बता ही चुका हूँ, सिंसियरली गेट का पेपर दो बता ही दे रहा हूँ आपको, ये पहले ही बता चुका हूँ। गेट 2021 गेट हिस्ट्री का सबसे सिंपल कॉम्पिटिशन होने वाला है। नेक्स्ट सिंपल कॉम्पिटिशन गेट 2022 होने वाला है। इसके बाद में गेट पेपर आपका बैक टू नॉर्मल हो जाएगा जो अभी तक चलता था। Yes, sir. तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए कि कोरोना इस टाइम पे आया है, गेट कंपटीशन हद से ज्यादा सिंपल है। और आपको बता दे रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट तो केवल फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में तैयारी छोड़ चुके होंगे। Yes, sir. लाइफ खराब हो गई, कोरोना ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, उसी चीज का तो एडवांटेज उठाना है आपने। ठीक है yes, sir. Yes, sir. चलो फिर एंजॉय करो, लिटरली बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, आप लोगों को पढ़ा के जरूर एंजॉय किया, वो थोड़ा सा हटा दो 5%, बाकी बाकियों को पढ़ा के एंजॉय किया। चलिए चल मारिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।